मेरे गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सदश्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महात्मा को। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं किसी ग्रंथ की अगर हम महिमा समझना चाहते हैं वो ग्रंथों को चार दृष्टिकोण से विचार करनी चाहिए। बोले पहला नंबर क्या है, बोले ये भागवत कथा कौन सुन सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते वही कथा सुन सकते हैं, बोले जन्मांतरे भवे तो पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। बोले जिनको करोड़ों करोड़ों जन्म से कोई सौभाग्य उदय हुआ वही व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं। अगर कोई बोले भैया हमने तो कोई ऐसे पुण्य की नहीं, हम तो बहुत बड़े पापी हैं, फिर ये कथा क्या हम सुन सकते हैं। इसके लिए उदाहरण दिया है भैया ये धुंधुकारी जैसे इतने बड़े पापी कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान का वरदान है कोई एक बार गया में जाए अपना पितृ पुरुषों को उद्देश्य से एक बार केवल पिंड दे दो उनको उधार हो जाती है। लेकिन जब गोकर्ण ने धुंधुकारी के लिए पिंड दे करके जब वापस आया देखा फिर वो भूत बन करके बैठा हुआ, बोले तेरे नाम पर मैंने पिंड दिया गया में तेरी मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतना बड़ा पापी हूं एक बार क्यों मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दे दोगे ना मेरे को उधार होने वाला नहीं, इतना बड़ा पापी है। लेकिन इनका उधार कैसे हुआ, बोले ये भागवत कथा से। तात्पर्य यह है जितने बड़े हम पापी क्यों नहीं हो एक बार आओ और केवल ये भागवत कथा में बैठ जाओ, अब कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल भागवत कथा बैठो और कथा सुन लो, कहते बड़े से बड़े पापी भी ये भागवत कथा से उद्धार हो जाते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले श्रुत अनुपटित ध्यात आदृत अनुमोदित सत्य पुनाति सद्धर्मम जानति विश्वद्रोह अपि। कहते भागवत की इतने महिमा है, बोले श्रुत अगर कथा कोई सुने उनका तो कल्याण कल्याण ही है, अगर इतना नहीं हो अनुपठित अगर भागवत हो कोई पढ़े, अगर ये भी नहीं हो कहीं कथा हो रही है इतना कोई बोल दे बोले भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी बात है, ये कथा होनी चाहिए। बहन में नहीं जा सकती घर का काम मैं कर ले तो तू जा कथा सुन कर आ जा। सुतो गोस्वामी कहते हैं अगर इतनी सी कोई बात बोल देना कहते जानती विश्वद्रोह अपनी, वो विश्वद्रोह क्यों नहीं किया, जितने बड़े से बड़े पाप क्यों नहीं वो किया। बोले सत्य पुनाति सद्धर्मम, वो व्यक्ति उसी समय में ही सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत गति को भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं अगर केवल अनुमोदन अगर कर दे। इतना महिमा ये भागवत कथा की, इसलिए कथा कौन सुन सकते हैं, बोले पापी से पापी क्यों नहीं हो तभी कथा सुन सकते। अगर कोई पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो कोई बोले अरे सुनी सुनाई कथा को हम कितना सुनेंगे, हमने सब सुन रखा है हम सब जानते हैं, ये सब कथा बता हमें सुनने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं आप श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो। ये इतने बड़े सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे, बोले ब्रह्म कहते संपूर्ण रूप में परिनिष्ठित अपि नरगुण्य उत्तम श्लोक लीलया। कहते एक ज्ञानी और एक विज्ञानी होता है, ये विज्ञानी थे, मतलब ब्रह्म में ये डूबे हुए थे
लेकिन इतने बड़े ज्ञानी को कानों में जब भागवत का केवल एक श्लोक पढ़ गया, बले बरहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत बास कनक कपिशयम वैजयंती च माला रंध्रान वेणुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमण प्राविशस्तत गीत कीर्ति। बोले कृष्ण कितने सुंदर हैं, केवल एक श्लोक उनको कान में पढ़ा तो सुखदेव गोस्वामी तो पागल हो गए और सारे ब्रह्म ध्यान को ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने छोड़ करके पूरी भागवत कथा समझ, पूरी भागवत कथा। इसका मतलब है ये ज्ञानी को ज्ञानी भी कथा सुन सकते हैं, पापी से पापी भी कथा सुन सकते हैं। इसलिए भगवान की कथा नारद जी भगवान से दो वर मांगे थे। बोले पहला वर था तुम्हारी कथा सुन करके किसी को तृप्त नहीं होनी चाहिए, मतलब जितने सुने इच्छा करे और सुने और कथा को हम और सुने, इसकी भावना होनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम कथा जे सोना त अघाए राम कथा जे सोना त अघाए कृष्ण कथा जे सोना त अघाए कृष्ण कथा जे सोना त अघाए रासा दिसे सजग अगर कोई बोले अरे कथा सुनते सुनते हम तो बोर हो गए, गोस्वामी जी कहते हैं भैया रस क्या चीज उसको पता है कि हनुमान से बड़े कोई ज्ञानी हो सकता है? कहते ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन श्री वाल्मीकि जी कहते हैं बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, अगर करोड़ों जगह पर प्रभु राम की कथा होना सबसे पहले कौन पहुंचेगा? बोले हनुमान जी सबसे पहले। आप देखना सबसे पहले हनुमान जी की कहीं राम कथा हो हनुमान जी आप तस्वीर सबसे पहले रखते हैं, क्योंकि राम कथा की जो रसिया सबसे बड़ी रसिया कौन है? बोले श्री हनुमत लाल जी सबसे पहले आएंगे और सबको बाद में, सबसे पहले बाद में ये कथा सजाएंगे। इसलिए भगवान की कथा सुन करके जगत में कोई तृप्त नहीं होते हैं, इसलिए कथा सबको सुननी चाहिए। बोले भैया कथा सुने तो सुने कहाँ से? बोले कथा सुने तो हम कथा सुने कहाँ से? बोले कथा जो सुने कहते जो कथा सुने कहते भक्तों से वैष्णव से ही कथा सुननी चाहिए। यहाँ पर मना किया कथा जहां था नहीं सुननी चाहिए, मना कर दिया है। बोले क्यों? बोले जिनके हृदय में भक्ति की भावना नहीं है, जो भगवान की भक्ति के लिए कथा नहीं करते हैं भैया उनसे कथा सुनोगे तो फिर आपका लाभ होने वाला नहीं, आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। कहते जैसे समुद्र मंथन से अमृत भी निकला और समुद्र मंथन से बीस भी निकला, अगर वैष्णव की अनुगत्य से कथा सुनेंगे फिर भागवत हमें भगवत प्रेम भगवत भक्ति प्रदान करेगी। अगर कोई अवैष्णव से कथा सुने जो वैष्णव कथा सुने तो दिया जैसे दूध है, दूध खाने से क्या होता है? आप लोग दूध पी है, ये ब्रज भक्ति ही भागवत का लक्ष्य है। कहते श्री उद्धव जैसे व्यक्ति, उद्धव जी कौन है? कहते भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री उद्धव जी। लेकिन ऐसे जो उद्धव जी जब ब्रज में गए और ब्रजवासियों की प्रेम को ब्रज गोपियों की प्रेम को जब उन्होंने देखे कहते ना उद्धव शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल ज्ञान बजाई डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल।
इसलिए उद्धव जी जब गोपियों की प्रेम राधा रानी की प्रेम को देखते हैं, कहते भैया जगत में अगर किसकी जीवन धारण करना सार्थकता है केवल ये ब्रजवासियों का, ये ब्रज गोपियों का, भगवान की चरण में इनकी जो प्रेम है, मैं स्वयं उद्धव नारद ब्रह्मा ये भी वो प्रेम के लिए तरसते हैं। इसलिए अगर इनकी चरण की एक धूल अगर हमें मिल जाए, कहते हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भागवत का लक्ष्य क्या है, बोले भागवत का लक्ष्य है राधा रानी के चरण की धूल। मतलब क्या, जैसे श्रीमती राधा रानी श्री श्याम सुंदर को प्रेम करती है, भक्ति करती है, वो भक्ति की एक छीटा पोटा अगर हमारे हृदय को स्पर्श कर ले, कहते भैया ये जीवन धारण करना हमारी सार्थकता हो जाएगी। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यही भागवत का लक्ष्य है। इसलिए स्कंध पुराण में भी ये भागवत की थोड़ी महिमा बताए, इसको हम थोड़ी सी आज सुनेंगे। बोले जिस समय भगवान इस जगत को छोड़ करके चले गए, जब श्री मैया कुंती को पता चला कृष्ण चले ही गए, उसी समय में मां कुंती ने शरीर को त्याग दी। बोले क्यों, बोले जब जीवन में जब कृष्ण ही नहीं रहे, फिर ये जीवन धारण करके लाभ किया है, वो शिक्षा देती है, तभी ये जीवन धारण करने का सार्थकता है। अगर ये शरीर से भगवान के भजन हो तो, अगर भगवान की भक्ति नहीं हो रही शरीर से, वो शिक्षा देती है ये शरीर मरना और रहना बराबर है। इसलिए कहते जीवन सबो, कहते वो व्यक्ति जिंदा अवस्था में भी मृत्यु है अगर ये जीवन पा करके भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो। इसलिए कुंती मैया ने शरीर त्याग दी, पांडव लोग भी उन्होंने वृंदावन का राजा श्री वज्रनाभ को और हस्तिनापुर का राजा श्री परीक्षित महाराज को सिंहासन पर बैठा करके चले गए। एक दिन परीक्षित वृंदावन में गए, वज्रनाभ से मिले, बोले वज्रनाभ सब कुशल मंगल है ना, बोले आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल थे है, लेकिन जो मन है ना ये बड़ा उदास है। बोले किस लिए, बोले वृंदावन में कोई है ही नहीं, क्योंकि जब कृष्ण ये संसार छोड़कर गए वहां के जितने ललिता विशाखा राधा गोपी को सबके सब ठाकुर जी सबको लेकर गए, कहते यहाँ तक भी वहां की जो पशुपति थे ना कीड़े मकोड़े थे। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वृंदावन के जो कीड़े मकोड़े हैं गुल्म लता ये सब के सब कृष्ण को सेवा में मदद करने वाले, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई डाल डाल और पत्त पत्त में श्री राधे राधे हो। इसलिए वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं, जैसे भगवान राम चाहते समय संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर गए, जब कृष्ण गए वो भी संपूर्ण ब्रज को लेकर चले गए, बोले कोई यही नहीं यहाँ पर। इसलिए मेरा मन तो बड़ा उदास है, लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण कहीं नहीं गए, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में है। लेकिन ये रहस्य किसको पता, बोले सांडिल्य ऋषि को। बोले ये सांडिल्य कौन है, बोले नंद बाबा की कुलपुर रहते थे। तो उन्होंने श्री सांडिल्य ऋषि को बोले, बोले आप थोड़ी सी कृपा करके ये वृंदावन की रहस्य को बताओ। तब सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो भगवान की दो तरह का लीला है। कितने तरह का लीला है, जोर से बोलो, दो तरह का लीला है। एक तो उनको व्यवहारिक लीला और एक वास्तविक लीला। व्यवहारिक लीला मतलब साधारण रूप में देखो कृष्ण तो चले गए, लेकिन वास्तव रूप में देखोगे तो कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि, मैं तो वृंदावन छोड़कर ये कदम कहीं जाता ही नहीं। अभी भी कृष्ण वृंदावन में, आप लोग जो वृंदावन में गए हो, कौन कौन वृंदावन गए हो हाथ उठाओ, तो आप देखना वहां पर दो वन है, एक निकुंज वन और एक है निधु वन। वहां पर मंदिर में रात को ठाकुर को फूल की सज्जा लगाते हैं, लड्डू लगते हैं, दांतन रखते हैं, लोटे में पानी रखते हैं, लेकिन सवेरे जा करके देखो ऐसे लगेगा रात को कोई आए और कोई विश्राम कर गए, लोटे में कभी पानी नहीं मिलेगा, लड्डू नहीं मिलेगा,
अगर कोई बोलेगा नहीं हम देखना चाहते हैं, अगर जोर जबरदस्ती कोई रुक जाएगा ना वो मर जाएगा, नहीं तो गुंगा बन जाता है। क्योंकि प्रभु को लीला देखने का बाद पर ये शरीर नहीं रहती है। इसलिए आप देखना जो बंदर भी रहते हैं ना, आप कोई अगर कभी जाओगे देखोगे शाम का समय में जो बंदर रहते हैं वो बंदर को भगाने का जरूरत नहीं, वो शाम होते ही पता नहीं वो जंगल से वो बंदर अपने आप निकलना शुरू हो जाता है, वो अपने आप निकलना शुरू हो जाती है, हैं? इसलिए अभी भी भगवान संपूर्ण रूप में वृंदावन में लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी कहीं नहीं गए। एक छोटी सी कथा सुनो, बोले एक समय कोई एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, लेकिन वो देखने में बड़ी सुंदर थी और बड़ी पति व्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी। लेकिन इस शादी को बाद में कुछ दिन बाद में किस कोई बीमारी हुई तो उसने शरीर छोड़ दी, लेकिन पति उसके प्रति बहुत ही आसक्त था। जब उसने शरीर छोड़ दी अभी दिन रात, हाँ किशोरी तू कहाँ चली गई, हाँ किशोरी तू कितने प्यारी थी, हे किशोरी तू कितने बढ़िया खाना खिलाती थी, अभी बोलते बोलते ना उसको चिंता में पागल हो गया। अभी पागल होते होते कैसे बाई चांस आ गया वृंदावन में, अभी रात भर उसको नींद नहीं आता है, हाँ किशोरी हाँ किशोरी तुम कहाँ हो, हाँ किशोरी। लेकिन ये वृंदावन में सबके सब श्री राधा रानी को ही किशोरी कहते हैं। भगवान की चार तरह का रास है, एक है नित्य रास, एक है शारदीय रास, एक है बासंती रास और एक है महारास। भगवान की चार तरह का रास है, एक रास है जो नित्य रास। अभी भी वहां पर कुछ ऐसे स्थान है जो रोज रोज वहां पर रास होती है, कुछ मंडली आकर के रास करते हैं। अभी राधा रानी अपना सहेलियों को साथ में रास रचाने के लिए आई, आई तो उसने सुना कोई हा किशोरी बोल करके रात में सोई नहीं, आर्तनाद करते हुए कि तू कहाँ गई, कितने अच्छी हो। अभी राधा रानी के कान में पड़ते ही राधा रानी तो व्याकुल हो गई, बोले ललिता देखो कोई मेरे कोई भक्त आया है यहाँ पर, देखो सोया नहीं, हा किशोरी बोलकर रो रहा है, मेरे को पुकार रहा है। लेकिन ललिता बोली, बोले पागली तेरे को नहीं बुला रही है वो, उसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, वो बहुत ही सुंदरी बहुत प्यारी थी, लेकिन वो कम उम्र में उसने शरीर छोड़ दी, इसलिए उसका प्रेम में वो पागल हो गया उसका पति, इसलिए वो वृंदावन में अपना पत्नी को ही किशोरी किशोरी बुला रहा है, इसलिए तू चुप रहो। लेकिन वो तो किशोरी किशोरी बोलते जा रहे। अब देखना अगर दो व्यक्ति हो उनका नाम बराबर हो, अब एक व्यक्ति को बुलाओ दूसरा व्यक्ति आवाज लगाएगा। अभी राधा रानी का नाम तो किशोरी, सबके सब वृंदावन में किशोरी राधा जी को जानते हैं। अभी राधा रानी को कान में हा किशोरी, राधा रानी कौन है, बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरित, राधा रानी बड़ी दयालु, वो करुणा की मूर्ति है। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं, बोले वैदग्ध सिंधु रसरा रागा नुकैक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपाई का सिंधु श्री राधिके स्फुर तुमि रसकेले सिंधु। बोले राधा रानी करुणा की समुद्र श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाए तो सबके सब किसके नाम लेते हैं, कोई बोल नहीं रहे जोर से और जोर से, इसलिए वृंदावन में सबके सब श्री किशोरी जी राधा जी का नाम। क्यों, राधा रानी बड़ी दयालु है। अभी राधा रानी को रहा नहीं गया, राधा रानी कहती है देख ललिता मेरे को पता है उसकी पत्नी का नाम किशोरी है, लेकिन नाम तो मेरी है ना, उसको दी गई किशोरी नाम, लेकिन किशोरी बोल करके किसको जानते हैं, बोले श्री राधा रानी को जानते हैं, और मेरे धाम में आकर के और मेरा नाम को ले रहा है, जाओ उसको लेकर के आओ। तब ललिता सखी गई फिर उसको लेकर के आई, जब आए इतने में श्री राधा रानी उसकी सर पर हाथ रखते हैं, और वो हाथ रखते ही वो तो एक पागल था अभी अब दूसरा पागल हो गया। किस चीज की पागल हो गया, कहते ना कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कहते जितने पागल है ना ये सब के सब झूठे पागल है। सच्चा पागल कौन है,
जो पागल है श्री बांके बिहारी के, अभी उसने दूसरा पागल हो गया। इसलिए अभी भी वृंदावन में पूर्ण रूप में कृष्ण हैं, कृष्ण कहीं नहीं गए। हमारी संप्रदाय में तो इतने प्रमाण हैं। एक श्यामानंद प्रभु थे, वो तो झाड़ू लगाते लगाते राधा जी के चरण के नुपुर उनको मिला, और उस श्री जीव गोस्वामी ने कहा देखो ये नुपुर किसको देना नहीं, जिनका चरण के नुपुर उनको ही पहनाना। स्वयं राधा रानी वहां पर आती है, वो संत तो राधा जी के चरण में अपना हाथों से नुपुर पहनाया और राधा रानी का नाम दिया श्री श्यामानंद नाम दिया, और राधा रानी अपना हृदय से ठाकुर को निकाल कर उसको देते हैं। अगर आप लोग वृंदावन जाओगे ना, जरूर श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर जरूर दर्शन करना। वो जो ठाकुर जी साधारण नहीं, राधा जी के हृदय से निकला हुआ वो ठाकुर हैं। और श्री टेर कदम में नंदगांव में तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब आपस में हरि चर्चा कर रहे थे, अभी श्री रूप गोस्वामी की इच्छा हुई सनातन गोस्वामी को खीर खिलाए, लेकिन घनाघोर जंगल में कौन खीर देगा, राधा रानी स्वयं आती है और खीर बना करके उनको खिला करके जाती है। सनातन गोस्वामी एक संत थे हमारे संप्रदाय में, कृष्ण से तो लड़ते थे, कृष्ण से वो लड़ते थे, उनको टिकिया बना बना करके वो संत खिलाया करते थे टिकिया बगैर नमक के। कृष्ण ने कहा दे तो टिकिया खिलाते, उसमें नमक तक भी नहीं दे तो गला को नीचे उतरता ही नहीं, अरे कम से कम उसमें थोड़ा नमक तो दे दिया करो, देखो क्या कहते थे। बोले बाबा, बोले ठाकुर जी आज बोले कि नमक दे दो, दो दिन बाद में बोलोगे नहीं थोड़ा सब्जी लाओ, कुछ दिन बाद में बोले नहीं थोड़ा दूध दो, फिर बोलोगे थोड़ा राबड़ी दो, भैया हमें लाओगे कहाँ से, हम तो फक्कड़ बाबा किसी तरह से चाना नहीं तो किसी तरह से थोड़ी सी मैं चून मांग करके पानी में घोल करके पी लेता हूँ। तेरे घर में नल लाख गैया थी तभी तेरा पेट नहीं भरता था, फिर गोपियों के घर घर में तो चोरी चोरी करके खाता था, इसलिए भैया मेरे से नहीं होगा, खाना तो अपना व्यवस्था कर लो। इसलिए वो संत लड़ते थे उनको साथ में, और इतने बड़े संत हुए हैं, हम तो ठाकुर को दर्शन करने जाते थे, ठाकुर जिनको दर्शन करने आता था, ठाकुर जी दर्शन करने उनको आते थे, वो इतने बड़े संत थे। उसी समय बंगाल का वो प्राइम मिनिस्टर थे, हम तो रिश्वत देकर के नौकरी करते हैं, उसी समय में उन्होंने 10,00,000 स्वर्ण मुद्रा उन्हें रिश्वत देकर के नौकरी को छोड़े, और वृंदावन में हर वृक्षों को नीचे एक एक दिन रुक करके उन्होंने भगवान की भजन करते थे, रात भर सोते नहीं थे, रात भर क्या करते थे, सबके समय एक बार हाथ उठा करके बोलो, सबको ठंडी लग रहा है हाथ उठा सबके सब, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे बार आप लोगों बोले मैं सुनूंगा सबके सब जोर से, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए श्री सांडिल जी ने कहा देखो बजरनाथ कृष्ण कहीं नहीं, अभी भी पूर्ण रूप में कृष्ण वृंदावन में ही रहते हैं, लेकिन उनको कौन दर्शन कर सकता है, बोले वही दर्शन कर सकते हैं, बोले प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचन न, जो अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन का लगाओ ना फिर तो ठाकुर सर्वत्र दर्शन मिलेंगे, लेकिन हमारी आंखों में तो काम क्रोध लोभ की अंजन लगा हुआ, इसलिए ठाकुर जी हमें नहीं मिल रहे हैं। बोले मिलेंगे कैसे, बोले एक उपाय है, कृष्ण चले गए अभी धीरे 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 जो धाम में कृष्ण कहाँ कहाँ पर क्या क्या लीला की अभी लोगों को पता नहीं, ये सांडिल्य ऋषि त्रिकाल दृष्टा है, इनको लो लेकर के पुनः ये वृंदावन को प्रकाशित करो। ठाकुर जैसे जैसे लीला की वो लीला के अनुरूप तुमने स्थान तुम नाम रखो। देखो ब्रज में जो नाम है एक जगह का नाम है कोकिलावन, बोले कोकिलावन क्यों नाम पड़ा, बोले एक समय श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए गए, जब मिलने के लिए गए लेकिन उनकी जो सास ननंद थी ना जटिला और कुटिला उनको मिलने उन्होंने नहीं दी,
वो तो बड़ी कृष्ण दुखी हो गए। कृष्ण ने कहा मैं ऐसे काम करूंगा उनको जो सांस ननद मेरे साथ में मिलने देंगे, इसलिए जिस वन में आकर के उन्होंने कुहु 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 कोकिल स्वर से उन्होंने आवाज लगाए, उस स्थान का नाम बढ़ गया कोकिलावर। एक स्थान का नाम है जाबट, बोले जाबट क्यों नाम पड़ा, बोले एक दिन कृष्ण बंसुरी बजाए वो भटवृक्ष के नीचे गोपियां राधा रानी के श्रृंगार कर रही थी, बोले सारे श्रृंगार तो हो चुका था लेकिन प्यार में जो मेहंदी लगाते हैं अभी तो वो मेहंदी नहीं लगी। कृष्ण बंसुरी बजाते ही राधा रानी भागते भागते आई, कृष्ण ने देखा राधा रानी का तो सब श्रृंगार है लेकिन प्यार में तो बोले मेहंदी नहीं। वहां पर एक चाबक एक रस है जो पत्ते को रगड़ो उसमें मेहंदी जैसा आलता जैसे रंग निकलता है। कृष्ण राधा जी के चरण में जहां पर उन्हें लगा दिए इसलिए उस स्थान का नाम जाबट है। एक गांव का नाम आज नौ, देखो ध्यान देख रहे हैं, बोले एक समय कृष्ण बंसुरी बजाए सखियां राधा जी को श्रृंगार कर रही थी, सारे श्रृंगार हो चुकी थी लेकिन आंख में काजल नहीं लगा। जब राधा रानी आई कृष्ण ने जिस पत्थर के ऊपर में बैठा करके राधा जी की आंखों में काजल लगाए और हाथ में जो बचा हुआ था पत्थर के ऊपर उन्होंने पोंछ दिया। अभी भी आप जा करके देखोगे ना पत्थर को रगड़ तो वो पत्थर से अभी भी काजल का रंग निकलता है, अद्भुत है। कभी अगर आपके सौभाग्य हो कभी जाओ जरूर दर्शन करो, वो पत्थर देश विदेश से लोग आते हैं आश्चर्य होते हैं ये पत्थर से काजल का रंग कैसे निकलता है। आप देखोगे साधारण पत्थर है लेकिन रगड़ तो उसमें काजल निकलती है, अद्भुत अद्भुत है। एक स्थान का नाम है छत्रवन, बोले छत्रवन क्यों, बोले जहां पर श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी के सर के ऊपर में छत्र धारण किया और ब्रज में जिन्होंने प्रचार किया आज से ब्रज का जो रानी है श्री राधा रानी, इसलिए राधा रानी कहते हैं ना लेकिन कृष्ण को कोई राजा नहीं कहते, सबके सब क्या कहते राधा रानी वृंदावनेश्वरी। इसलिए ब्रज में आप जितने गांव सुनोगे ऐसे नहीं गांव सुनोगे, कृष्ण जैसे जैसे जहां जहां पर लीला की वो लीला के अनुरूप उस स्थान का नाम ये बज्रनाभ ने रखा। स्थान स्थान पर मंदिर ठाकुर जी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन कितने जितने सब स्थान देखोगे, नंदगांव कहां पर बरसाना कहां पर कृष्ण कहां पर खड़े होकर के गिरिराज को उठाए हैं, वहां पर श्री हरिदेव का मंदिर स्थापन की, राधा कुंड श्याम कुंड कहां पर है, ये सब चीज को किसने स्थापन करके गए थे, बोले श्री बज्रनाभ। ये कृष्ण का पौपुत्र बेटे को बेटा का ये बेटा श्री बज्रनाभ है। जब उन्होंने ये ब्रज भूमि को उन्होंने प्रकाशित की ठाकुर की कृपा से इनको भगवत दर्शन इनको साक्षात श्री भगवत दर्शन हुई। एक दिन क्या हुआ कृष्ण का जो 16,100 रानियां बड़े दुखी है क्योंकि कृष्ण संसार छोड़कर चले गए लेकिन देखा जो कालिंदी ये बड़ी प्रसन्न है बड़ी कलकलनाथ से बह रही है, बोले कालिंदी हम तो कृष्ण विरह में बड़े दुखी लेकिन तेरे अंदर में कोई दुख नहीं दिख रहा है, क्या तेरे को कृष्ण विरह है ही नहीं, बोले नहीं, बोले क्यों, बोले राधा रानी की जिसको ऊपर कृपा हो जाए कृष्ण विरह उसको नहीं होता है, मेरे को ऐसे लगता जैसे वृंदावन में अभी भी कृष्ण है अभी भी यमुना में क्रीड़ा करते हैं, ये केवल राधा जी की कृपा से ही ये चीजें पता चलती है। बोले भैया हम भी सबके सब श्री किशोर जी की शरण में जाएंगे, बोले भैया ये रहस्य कौन बताएगा, अभी भी कृष्ण ब्रज में है, बोले अभी एक व्यक्ति है बता सकता है, बोले कौन, बोले श्री उद्धव जी, क्योंकि कृष्ण श्री उद्धव जी को ब्रज में भेज करके ये ब्रजवासियों को उन्होंने सांत्वना दी थी इसलिए ये ब्रज ये उद्धव जी को ये रहस्य पता है, बोले अभी उद्धव मिलेंगे कहां, बोले अभी भी उद्धव, बोले कहां पर, बोले श्री गिरिराज तलहटी में। अब लोगों ने परिक्रमा लगाई गिरिराज की, कौन कौन गिरिराज की परिक्रमा लगाए देखना, राधा कुंड श्याम कुंड से पहले वहां पर श्री उद्धव कुंड है, बोले अभी भी उद्धव जी घास बनकर के वहां तपस्या कर रहे हैं, चलो हम सबके सब वहीं पर चलेंगे उद्धव जी को पूछेंगे और वहीं पर आकर के सारे को सारे हैं महिषियों ने परीक्षित महाराज बज्रनाभ
सांडिल ऋषि वहीं पर आए और वहीं पर आकर के बड़े सुंदर कीर्तन करते हैं। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद बल गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम बड़े भाव हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि राम हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल वृंदावन में हरे राम वृंदावन तुझ में हरे राम वृंदावन गली में हरे राम वृंदावन गली हरे राम जगल हरे राम हरे राम श्याम हरे राम तुम सरोवर हरे राम नारद हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरि हरे राम 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 कीर्तन की बोले कीर्तन का प्रभाव से उद्धव जो घास बनकर के भजन कर रहे थे साक्षात उद्धव प्रकट हुए। तब महेश्वर ने पूछा हे उद्धव तेरे को कृष्ण वृंदावन में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना दी थी, हम भी कृष्ण विरह में दुखी है, अभी बताओ कृष्ण मिलेंगे कहां। देखो उद्धव जी क्या कहते। बोले ठीक यही प्रश्न मैंने कृष्ण को भी किया था जब कृष्ण जा रहे थे। बोले प्रभु आप तो दुनिया छोड़ करके जा रहे थे, अभी आपको मुझे कैसे प्राप्त होगा, आपका संग कैसे मिलेगा। कृष्ण स्वयं बताए थे बोले हे उद्धव मैं एक स्वरूप में तो जा रहा हूँ लेकिन कलयुग में दूसरे स्वरूप में रहूंगा। बोले प्रभु किस स्वरूप में रहोगे। बोले ये भागवत ग्रंथ रूप में। कलयुग में जो व्यक्ति ये श्रीमद् भागवत कथा सुनेगा, भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात नहीं। जो कथा सुन रहे हैं समझो आप साक्षात भगवान से साक्षात बांके बिहारी से हम मिल रहे हैं, कथा नहीं हम भगवान को साथ मिल रहे हैं। कथा सुनना उनसे मिलना कोई अलग बात नहीं। इतने में महेश्वर ने बताए अरे उद्धव अरे हमें भी ये भागवत कथा सुनाओ। कहते भागवत से पहले कहां पर हुई, गिरिराज गोवर्धन।
जहां पर उस तरफ में कुसुम सरोवर, इस तरफ में श्री उद्धव कुंड, वहीं पर हम लोग तो 7 दिन तक कथा सुनेंगे, वहां पर उद्धव जी 1 महीना तक उन्होंने कथा सुना। 1 महीना जब ये कथा विश्राम हो गई, ये भागवत सही स्वयं कृष्ण, राधा रानी, नंद बाबा, सबके सब ग्वाल बाल इसी भागवत ग्रंथ से साक्षात कृष्ण दर्शन दिए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की जय हो। साक्षात कृष्ण दर्शन हुई, जब कृष्ण दर्शन हुआ इतने में समस्त महिषियों ने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तब यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं, मेरे गुरु जी मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए थे। बोले बताओ क्या कथा सुनाए थे। बोले जिस समय ये विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि ही हुई, भगवान कृष्ण ने की, श्री ब्रह्मा जी बोले, बोले प्रभु ये जो सृष्टि का काम ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों सृष्टि हुए। और ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम सृष्टि करो, शंकर जी को बोले तुम्हारा काम संहार करो, और भगवान विष्णु को पालन करो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु ये सृष्टि रजोगुण का काम है, अब बताओ ये सृष्टि करके ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले अगर ये श्रीमद् भागवत कथा को आप 7 दिन तक सुनोगे, आपको ये रजोगुण व्याप्त नहीं करेगा। मतलब कि जगत का जो सृष्टि हो रही है, सृष्टि का जो काम है, बोले किसकी कृपा से, बोले ये भागवत की कृपा से ही ब्रह्मा जगत को सृष्टि कर रहे। इतने में श्री भगवान विष्णु आए, बोले प्रभु दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूं। बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। जब भगवान विष्णु स्वयं कथा सुनाते हैं, वो माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है। कितना दिन में कथा को विश्राम देते, बोले 1 महीना में। अभी माँ लक्ष्मी स्वयं कथा सुनाती हैं, विष्णु स्वयं बैठ कर कथा सुनते हैं, तब वो कितना दिन में विश्राम देती है, बोले 2 महीना। इसलिए नारायण जितने सुंदर कथा सुनाते हैं, उससे सुंदर माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है। अभी भोले बाबा आए, बोले प्रभु ये संहार का काम तो तमोगुण का काम है, बोले ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए माँ पार्वती जब कथा सुनाती हैं, एक साथ कितना दिन, क्योंकि ये वैष्णवी है, ये भी गले में तुलसी की कंठी धारण करती है, ये माँ वैष्णवी है, इसलिए इतने सुंदर कथा सुनाती है पार्वती। शंकर, हाँ कहते शंकर जब कथा सुनाते हैं, वो 1 साल तक कथा सुनाती है, जब माता पार्वती सुनाती है 2 साल। बोले कथा को इतने सुंदर व्याख्या करते हुए सुंदर रूप में पार्वती कथा सुनाती हैं, क्योंकि शंकर जी वैष्णव है, माता पार्वती ये वैष्णवी है। ये भागवत सबसे पहले कौन किसको सुनाए, शंकर ही पार्वती को, ये अमरनाथ भी ये कथा सुनाए। पुराण देखो सब शंकर पार्वती का संवाद है, शंकर जी सुना रहे हैं और मैया पार्वती बैठी कर कथा सुनती रहती हैं। इसलिए इसका तात्पर्य है, जगत का जो सृष्टि स्थिति प्रलय है, बोले किसकी कृपा से हो रही है, बोले भागवत की कृपा से ही दुनिया की सृष्टि स्थिति प्रलय हो रही है। इतना ये भागवत कथा की महत्व है। फिर यहाँ पर श्रोता की बात सुनाए, कल मैंने सुनाया था श्रोता 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं बोलो, एक है उत्तम श्रोता और एक कनिष्ठ श्रोता, और जो उत्तम श्रोता 4 ही तरह के हैं। कितना तरह के बोलो तो कौन बोलेगा, कोई एक एक बोलो। जो अच्छे श्रोता उत्तम श्रोता 4 ही तरह के, अभी मैं परीक्षा ले रहा हूँ, कल मैंने सुनाया था, मैं देखता हूँ आज कौन बोल सकता है। जो उत्तम श्रोता 4 ही तरह के, एक एक श्रोता का बोलो, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, बोलो माता जी। हाँ ये मैया के लिए ताली बजाओ, ये मैया ने याद किया। हाँ मैया मछली बताए, बहुत अच्छी बात। बोले हंस क्यों, अच्छे तरह से जिनको याद नहीं और एक बार सुन लो, फिर कल पूछूंगा। हंसों को जैसे दूध दो, देखना वो दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। अच्छे श्रोता कौन है, जो जीवन में सार सार को तो उतार ले और असार को तो
त्याग दे। दूसरा नंबर मैया क्या बताई? मछली। बोले मछली क्यों? मछली का आंखों का जो पलक है वो एकदम खुली हुई रखती हैं। कथा कैसे सुननी चाहिए? बोलो टकटक लगा करके कथा की एक अक्षर हमारी चूक नहीं जाए, है चूक नहीं जाए, इसलिए मछली। और तीसरा नंबर कौन? बोले हाथ उठा, बोलो मधुमक्खी। हाँ मधुमक्खी जैसे कांटा के वृक्ष क्यों नहीं हो? अगर वहां फूल होगा ना, देखना मधुमक्खी वहां भी बैठी करके शहद को ग्रहण कर लेता है। उसी तरह वे श्रेष्ठ श्रोता हर स्थान से जो मधुमक्खी जैसे अच्छे अच्छे चीज को ले, आधे चीज को नहीं, इसलिए एक मक्खी और एक मधुमक्खी, मक्खी और एक मधुमक्खी। बताओ मक्खी कहाँ बैठती है? गंदी चीज में। और मधुमक्खी का शहद, इसलिए हमें मक्खी नहीं, हमें मधुमक्खी होनी चाहिए। और चौथा नंबर है क्या बोली माता जी? चातक। चातक का एक विशेष गुण है, किसी तालाब का किसी नदी का पानी नहीं पिएगा, वो तभी पानी पिएगा आकाश से बारिश हो, स्वाधीन नक्षत्र का पानी। इसका तात्पर्य है हम कथा सुनेंगे, सुनेंगे तो केवल ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं बैठ करके सारा दुनिया की बकवास बिना कारण की कारण समय को नष्ट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो मानव शरीर नहीं, ठाकुर जी हमें कोहिनूर हीरे दिए, ये कोहिनूर हीरे हमें ठाकुर ने दिए, ये बकवास करने के लिए जीवन नहीं है। इसलिए भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सबरा। केवल इसी जीवन में हम भगवान की भक्ति करके इस संसार से पार हो करके हम ठाकुर जी के पास में जा सकते हैं। इसलिए हमें चातक जैसे कथा सुनेंगे तो केवल भगवान की कथा सुनेंगे, दुनिया की कोई बात को हम नहीं करेंगे। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति प्रभु की कथा छोड़ करके ये दुनियादारी के उल्टा पुल्टा कथा बोलते रहते हैं वो जीवा क्या है? बोले बिल्लवत उरुक्रम विक्रमा। बिल्ल मतलब था मेढक। अब देखना जब बरसात आए ना, टटर टटर करता है और ये सर्प का आहार होता है मेढक। अभी सर्प देखता है अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, मेरा आहार तो मुझे ही बुला रहा है। वो सर्प धीरे 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 आएगा, आकर झट पकड़ लेगा किसको? मेढक को, और निकल जाएगा। फिर टटर टटर करना शुरू कर देता है। इसलिए अगर हम भगवान की कथा छोड़ करके इधर उधर की बात बोलेंगे कि काल रूपी सर्प एक दिन हमें ग्रास कर लेगा, इसलिए हमें भगवान की बात बोलनी चाहिए। इसलिए कहते हैं चार तरह का श्रोता है और एक भी श्रोता है, ये तोता। अब तोता को देखना एक विशेष गुण है, वो किसी कच्चे फल में मुंह नहीं मारेगा, उसको पता है कौन सा फल पक्का है, वो पक्का हुआ फल में ही चोंच मारे। मतलब बोले भैया मुंह सब जगह में मत मारा करो, ये मुंह को तो मारो भगवान की कथा जहां पर हो, भगवान की गुणगान में ही मुंह मारनी चाहिए। कहते ये चार तरह का साधारण श्रोता है, बोलो कौन बोलेगा? चार तरह का तो अच्छे श्रोता बोल दिए, अभी चार तरह का घटिया श्रोता है, बोलो कौन बोलेगा? याद करो कौन, बोलो जोर से, बोलो बोला जोर से कौन? तुम याद नहीं क्या? केवल यहाँ बैठने के लिए आते हो? कॉपी पेन लेकर के आया करो, सारी कथा को सुन। हाँ हाँ, ये भैया के लिए ताली बजाए, भैया ने एक बात बोल दिया। कभी ये ऊंट है, भैया कॉपी लेकर के आओ, इसने कितना कथा सुन चुके हो। नहीं चिट्ठी नहीं, वो दूसरी बात है। इसलिए एक है ऊंट। ऊंट क्यों बताए? ऊंट को कोई कोमल कोमल सुंदर सुंदर पत्ते दो ना, वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा भैया बबलू का पेड़, कांटा वृक्ष कहाँ पर है। मतलब जो भगवान की मधुर मधुर कथा नहीं सुन करके जिसमें केवल दुख ही दुख है उसी बात को करते हैं, हैं? संसार का जो बात है वो दुखमय बात है। किसी व्यक्ति को साथ में बैठ जाओ, संसार की बात करो, पहले बोलेंगे आप कैसे हो? बोले ठीक ठाक है। लेकिन जो अंदर की बात निकलेगा ना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई पति से दुखी, देखना सब दुखी 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 दुखी। ये बात कांटा की बात है।
लेकिन ठाकुर जी की बात करो देखना आनंद ही आनंद है, ठाकुर जी की बात में आनंद ही आनंद है। इसलिए कहते उसको ऊट दूसरा नंबर कौन बोलेगा? देखो ये भैया सब बात भी याद की है, इसलिए बैल है। कहते बैल को आप भूसा दे दो, उसका सुंदर सुंदर कोई फल दो, वो दोनों में कोई फर्क नहीं समझता है, दोनों को जो बराबर मान ले, मतलब ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो किसी की चुगली हो नहीं तो कोई उल्टा पुल्टा बात हो, बैठ करके बात करनी चाहिए। नहीं भैया ये जीवन इसके लिए नहीं है, ये जीवन तो केवल हरि चर्चा के लिए जीवन है, हाँ इसको कहते बैल। तीसरा नंबर बोलो कौन बोलेगा? बोलो किसको याद है? नहीं तुम लोग इतना दिन से कथा सुनते हो, कोई काफी हाथ मारी क्या? नहीं हाँ, अब दो तरह मैं बता देता हूँ, एक तो हो गया बैल, एक हो गया ऊंट, हाँ एक हो गया भुरुन। ये पक्षी रहता है कैलाश पर्वत में, भुरुन एक चिड़िया, इसका स्वभाव है आप इसको जैसे बोलो ठीक आपको दोबारा वैसे सुना देगा, लेकिन वो करते समय सब कैसे वो उल्टा करेगा, सुन भी लेगा सुना भी देगा, लेकिन ये अपना जीवन में कोई एक अक्षर करने वाले नहीं। इसलिए ऐसे कुछ श्रोता है सुनेंगे सुनाएंगे भी अपना जीवन में भजन नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, इसको कहते हैं भूरो। चौथा नंबर है भेड़िया, ये भेड़िया छोटा जाति का एक बाघ होता है। जब हिरण कोई सुलीली शब्द सुनकर के उसमें मुग्ध हो जाए उसी समय में उसको ऊपर आक्रमण करता है। तात्पर्य यह है ऐसे कुछ श्रोता लोग है जो कथा सुनते भी नहीं और जो पास में बैठने वाले व्यक्ति को सुनने भी नहीं देते, बिना कारण के कारण जो बात करते रहते हैं उनको बताए ये कौन है? भेड़िया। इसलिए श्रोता और भी तीन तरह का है, बोले श्रोता और श्रोता और सरोता। बोले श्रोता मतलब जो आ करके देख देख करके बैठेंगे, कहां बैठने पर बढ़िया से नींद आएगी, बस कथा आरंभ उनकी सोना भी आरंभ हो जाता है, इसलिए इसको कहते ये श्रोता है। और दूसरा नंबर है सरोता, सरोता मतलब होता है जिनको कथा बता से कोई मतलब नहीं, केवल वो दोष देखने के लिए आते हैं। बोले भैया यहाँ तो नवग्रह की कोई पूजा की नहीं, भैया यहाँ तोता कहाँ है, यहाँ पर तो कोई केला का पेड़ नहीं लगाई, यहाँ पर जिनकी कथा से कोई भी मतलब नहीं है, जिनकी केवल दोष देखने का मतलब है। देखो जिस समय सुखदेव गोस्वामी कथा की, किस समय की है? जब परीक्षित महाराज को अभिशाप लगा, परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ करके आए और वहां पर 88,000 ऋषि उपस्थित हुए, सबको उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन ये सबके सब आपस आपस में तर्क वितर्क कर रहे थे। उसी समय परीक्षित महाराज हृदय से भगवान को स्मरण किया, हे ठाकुर जी आप ही मुझे गर्भ में अस्वस्थम का ब्रह्मास्त्र से आप मेरे को रक्षा की थी, मेरे अंतिम समय केवल एक इच्छा है तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरे जीवन में थे। उस समय श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, सुखदेव गोस्वामी आए बैठे, बास परीक्षित महाराज उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया और श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर कौन सा नवग्रह पूजा हो रही थी, क्या हो रही थी, और ये कथा किसकी कथा है? ठाकुर जी की कथा है, जहाँ स्वयं बांके बिहारी भगवान है, है? ये ग्रह किसको आक्रमण करता है? जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भजन नहीं करते उनको ही ग्रह आक्रमण करता है, है? यहाँ पर शुद्ध रूप में केवल भगवत भक्ति जो करते हैं सारे ग्रह उसकी अनुकूल हो जाता है। कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको पर बांके बिहारी जी की राधा जी कृपा हो जाए ये जितने ग्रह हैं सब शांत हो जाते हैं, लेकिन तब तक ये ग्रह हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे जब तक कि हम ठाकुर जी की शरण में नहीं जाते, उनकी शरण में कोई आ जाए सारे ग्रह इनके अनुकूल बन जाएंगे, हैं? इसलिए शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करो, भजन करो और अपना जीवन में कथा के सार को उतारनी चाहिए, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ एक एक भजन सुनो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बड़े भाव से एक बार बोलेंगे जय जय श्री
मोहन से गीत लगाया नहीं मैं जानू या वो जाने मोहन से गीत लगाया है मैं जानू या वो जाने मोहन से गीत एक बात आपको बताऊं कहते हैं कि जो ठाकुर जी के दरबार में नाचते हैं उनको 84 अंगों में नाचना नहीं पड़ता ये सत्य बात है ठाकुर जी के दरबार में एक बार नाच लेता है तो उसको 84 योनियों में भटकना नहीं पड़ता नाचना नहीं पड़ता और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको 84 योनियों में भटकना पड़ेगा बार 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 ठाकुर जी के प्रति थोड़ी सी भी लगाव नहीं है बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए और जो ताली बजाते ही उनके हाथों में जो गलत लकीरें होती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है तो बड़े भाव से झूमते ही कहेंगे मोहन से गीत लगाया है
इस तरह से हाथ उठाने का मतलब है ठाकुर जी हम पूरी तरह से तेरे लिए समर्पण हैं, जैसे भी हैं जिस अवस्था में बैठे हैं हम तेरे हैं और तू मेरा है, हर तरीके से हम तेरे लिए समर्पण हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे Thank you.
श्रीमती वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बोले जन्मादस्य यत्वन्नयादितरतस्य स्वार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरयो तेजो विनिमयो मृषा निरस्त कुहकम सत्यं परम धीमहि। सुखदेव गोस्वामी जब भागवत को प्रारंभ करते हैं कहते तीन श्लोकों के द्वारा उन्होंने मंगलाचरण की। बोले मंगलाचरण का तात्पर्य जो होता है कोई भी काम करो मंगलाचरण को साथ में करो तो वो काम बढ़िया हो जाता है। जो पहला जो श्लोक है वो संबंध बात ध्यान है क्या है परम सत्य है कौन। बोले इसी विषय को बड़ा तर्क वितर्क है क्योंकि ये पहला जो श्लोक है ना उसमें किसका नाम नहीं दी गई केवल उसको विशेषण केवल उसकी गुण गुण बताया। इसलिए जो शंकर जी को भक्ति करते हैं ये श्लोक तो उन्होंने श्री भोले बाबा लगा दिए। देखो पानी तभी देना जब कीर्तन हो कथा को बीच में पानी नहीं देना। इसलिए जो माता देवी को उपासना करते हैं कभी ये श्लोक तो माता देवी में लगा दी। जो श्री गणेश जी की हनुमान जी को उपासना करते हैं वो अपना हनुमान जी में लगा दी। अभी यहाँ पर प्रश्न होता है पर भैया ये परम सत्य है कौन ये भागवत किसको ध्यान करते हैं। इसलिए एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम श्री बल्लभाचार्य वो कहते हैं भैया ये जो पहला जो श्लोक है ना ये केवल श्री बांके बिहारी के लिए और किसी के लिए नहीं है। बोले प्रमाण किया बोले जब कृष्ण मातृ गर्भ में आए देवकी के गर्भ में उसी समय में ये 33 करोड़ देवता एक साथ में स्तुति कर रहे थे। बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी निहितम च सत्य 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 अमृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपद्ये। कहते परम सत्य कौन है। बोले हे प्रभु सत्य व्रत जिसका व्रत सत्य है जिसका धाम सत्य है जिनके भक्त सत्य है जो त्रिकाल सत्य जिसको ब्रह्मा कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातनम ये कौन है श्री श्री कृष्ण कन्हैया। इसलिए भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। लेकिन ये हमारी कुछ रस्सी की टीकाकार लोग हुए कहते भैया क्या केवल कृष्ण को ही कह रहे हैं ना और किसको। बोले केवल कृष्ण को नहीं सत्यम परम धीमहि मतलब है उनकी जो पराशक्ति स्वरूप शक्ति उनकी जो लादिनी शक्ति श्री राधा रानी को यहाँ पर प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि जिनसे ही ये सारे रस प्रकट हुए किससे बोले श्री राधा रानी से जो सर्व लक्ष्मीमयी है इसलिए श्री राधा रानी। इसलिए प्रथम श्लोक में ध्यान में श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कृष्ण को नहीं बोले जन्मादस्य जत बोले जिनकी इच्छा से ही विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय होता है जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान को जो स्फुरण किया जिसकी माया ऐसे है। बोले मुह्यन्ति जत सुरयो बड़े बड़े देवता लोग भी जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं। हम आगे सुनेंगे कैसे श्री इंद्र वो भी कैसे मोहित हो गए ब्रह्मा जी ये भी कैसे मोहित हो गए सारे देवता जो जिनकी माया के पार नहीं पाते हैं ये कौन श्री बांके बिहारी और श्री जुगल सरकार श्री राधा कृष्ण है। बोले श्री राधा कृष्ण की पहला श्लोक है ध्यान। बोले दूसरा श्लोक है बोले प्रतिज्ञा। कहते एक श्लोक में तीन प्रतिज्ञा लिया है। बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र परम निर्मत शरणम सता वेद्य वास्तव मत्र सीवदम तापत्रय उन्मिलन। कहते इसमें तीन बार त्रिसत्य करके बोले। बोले धर्म प्रोजीत कैतव अत्र जिसमें भागवत में कोई कपड़ा का धर्म नहीं भगवान की सूत भक्ति है
हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत की इतने महिमा, जैसे यहाँ कथा हो रही है, अब लोग घर में हो, अभी कथा सुनने नहीं आए, पता चला यहाँ पर कथा हो रही है, घर में बैठे हो, अगर इतनी सी इच्छा हो जाए भागवत कथा हो रही है, चलो हम कथा सुनने जाएंगे। जो व्यक्ति केवल इतना इच्छा रख दिया ना, बोले सत्य हृदय अवरुद्ध, उदाहरण दिया जैसे एक व्यक्ति घर में घुसे और अपने आप को अंदर से कुंडी लगा दे, केवल कथा सुनने की इच्छा होते ही बांके बिहारी उसके हृदय में प्रवेश करके अपने आप को कुंड लगा देते, मतलब भगवान निकलने का रास्ता ठाकुर को नहीं मिलता है, केवल कथा सुनने की इच्छा मात्र से। कहते भैया अगर कोई सचमुच से आकर कथा में बैठ गए, बोले उनका सौभाग्य तो हम बता ही नहीं सकते, वो व्यक्ति कितने सौभाग्य जो कथा में आकर के बैठे। बोले भैया कथा कौन सुन सकते हैं, बोले सुश्रुषुभी, मतलब जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय हुआ हो, सुकृति हो, वही सुन सकते हैं। कोई बोले भैया हमारा तो कोई सुकृति है ही नहीं, हैं, हमने तो कोई अच्छा कर्म किया नहीं। बोले करने का जरूरत नहीं, आओ तो बोले बैठो, कथा सुनते 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 अपनी तुम्हारी पुण्य उदय हो जाएगी, अपनी आप सुकृति तुम्हारी बन जाएगी। कहते ये भागवत का प्रतीक क्या है, और जो तीसरा जो श्लोक है, कहते ये आशीर्वाद, भागवत हमें क्या आशीर्वाद देता है। बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रभ संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहते हम लोग कहां पर बैठे हैं, बोले कल्प वृक्ष को नीचे बैठे। कल्प वृक्ष मतलब क्या, जो मांगो वही मिलेगा। हेले गुरु जी ये कथा सुनाते थे, बोले एक समय एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, बड़ी दूर तक चला गया, हो गया शाम, थक गया था, एक पेड़ को नीचे बैठ गया, लेकिन उसको पता नहीं था ये कल्प वृक्ष है। अभी सोच रहा है अगर मैं राजमहल में होता तो रानी और सेविकाएं कितने सुंदर सुंदर जूस शरबत बना करके पिलाते, वो इच्छा करते ही बड़ी सुंदर अप्सरिया कहां से उतर करके आ गई, बोले महाराज लो ये जूस पियो। बोले अरे इच्छा करते ही मिल गया। फिर सोच रहा है अगर राजमहल में होता छापान भोग छत्री से व्यंजन हमारे सामने रानी रख लेती, सचमुच से कहां से बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां आ गई, बोले महाराज लो भोजन करो। बोले अगर मैं घर में होता तो गजदंत पलंग के ऊपर में हैं कितने सुंदर झांक जैसे बोला है बेड गोबर विश्राम करता, करते ही पता नहीं सचमुच से कहां से आ गया। बोले भैया जो इच्छा करता है वही आ रहा है। इतने में था जंगल, इतने में शेर ने दहाड़ मारी, बोले भैया शेर नहीं आ जाए, लेकिन वो वृक्ष कौन सा वृक्ष है, कल्प वृक्ष, जो मांगे तो वही होगा। बोले भैया शेर नहीं आ जाए, सचमुच से शेर आ गया। बोले ये मेरे को खा नहीं जाए, इतने झपट मारा उसको खा गया। इसलिए जो कल्प वृक्ष है जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन ये भागवत जैसे उसको शेर खा गया, क्या हमारी हमको शेर खा जाएगी, बोले नहीं, ये भागवत हमारी माँ है। जैसे माँ बच्चों का अच्छा ही सोचती है, कभी बच्चों का अमंगल कभी माँ नहीं सोचती है, भागवत से ये ऐसे वस्तु देने वाले अच्छी चीज देने वाले, ये कभी गंदा चीज ये देगी नहीं। इसलिए ये कल्प वृक्ष को नीचे बैठे, लेकिन हमारे टीकाकार कहते भैया सावधान है तो कल्प वृक्ष, लेकिन पहले ये भी तो सीखो इससे मांगना क्या, नहीं तो ठग जाओगे। एक उदाहरण दिया, कोई एक ब्राह्मण था, उसकी एक गैया थी। अभी वो ब्राह्मण ने पूजा की, किसकी, बोले धन कुबेर को, धन कुबेर संतुष्ट हो गया, बोले ब्रह्मा को, लेकिन बेचारा गरीब ब्राह्मण गैया थी, बोले गैया को खाने के लिए थोड़ा चुना भूसी दे दो, बोले पागल, अरे मैं धन कुबेर हूँ, सारे रत्न धन दौलत का सारे ट्रेजरी मेरे पास में, मैं इतने धन दौलत तेरे को दे सकता हूँ, तू भी खा, तेरे बेटा बेटा का बेटा भी खाए ना तभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन मेरे पास में क्या मांग रहे हो, चूना भूसी। हाँ ये चीज को समझो, इसका तात्पर्य है कि भागवत हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन ऐसे एक चीज भागवत से मांगो जो चीज पाने पर इसी जीवन में तो सुखी रहे, लेकिन उसको बाद में जन्म जन्मांतर के लिए हम सुखी बन जाए, हम जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाए। ऐसे ये कौन सा चीज है
जो इसी जीवन में भी सुखी रहेंगे बाद में भी सुखी बनेंगे, बताओ कौन बोलेगा? बोलो बोला। हाँ, इनको पास में छोटे मोटे चीज मत मांगो, ये दुनिया की कोई चीज इनसे नहीं मांगनी चाहिए। पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा दे दिया, पैसा लेकर भाई भाई में बहू बहू में लड़ाई, कोर्ट मामला, चोर आकर डाकू डाल कर ले गया। बेटा नहीं, बेटा नहीं, ऐसे बेटा हुआ, बेटा नहीं, बेटा नहीं, ऐसे बेटा हुआ जो बात नहीं सुनता है, कभी इससे तो बेटा नहीं होता। अच्छा, इस जगत में कोई भी आप चीज मांगोगे ना, सब समय ये सुख देने वाले नहीं, ये सब समय में थोड़ी समय के लिए सुख देगा, फिर दुख का कारण बनता है। इसलिए हनुमान जी से ये चीज सीखो, जब लंका से माता सीता को उद्धार करके लाए थे भगवान राम, बोले हनुमान अगर तू नहीं होता तो ये सीता की उद्धार बड़ा कठिन था, आज तू जो कुछ मांगोगे मेरे से मांग लो जी भर करके। देखो हनुमान जी क्या कहते हैं, बोले बार बार बर मागो हरसी देहो श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतस। ये हनुमान जी कह रहे हैं, बोले प्रभु आपके चरण में बार बार एक ही चीज प्रार्थना करता हूँ, क्या? हमें भगवान की भक्ति दो, अनुपायनी भक्ति दो, सत्संग दो, भगवान की कथा दो, हमें केवल यही चीज चाहिए। आप लोग रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे हो? आप देखना जब हनुमान जी प्रार्थना कर रहे हैं, ये हनुमान जी कौन? स्वयं शंकर जी। जब भगवान राम हनुमान जी के सर पर हाथ रख करके भक्ति दे रहे हैं, उसी समय कैलाश में शंकर जी को पार्वती को दिखाए, वो हाथ दिया हनुमान के सर के ऊपर में, लेकिन वो सर गया शंकर जी के सर के ऊपर में। क्यों? वही शंकर ही ये हनुमान बन करके प्रभु को सेवा करने के लिए आए। शंकर जी इतने गदगद हो रहे थे, बोले देखो पार्वती ठाकुर जी मेरे सर पर हाथ रखे, ठाकुर जी आज हमें भक्ति दे रहे हैं, मेरे जीवन धन्य हो गया है। इसलिए भगवान की भक्ति मांगो, ये धन मिलेगा, यहाँ भी सुखी रहोगे और उधर तो जन्म जन्मांतर का आनंद ही आनंद है, ठाकुर को पास में जाओगे, ठीक है ना? ऐसे चीज मांगो, इसी जीवन में भी सुखी और उधर भी सुखी रहो, भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, ठीक है ना? और भक्ति धन आ गया तो जो दूसरे धन है, लड़का लड़की, रुपया पैसा, दुकानदारी, तो अपनी आप आ जाए, इसको मांगने का कोई जरूरत नहीं, भगवान अपनी आप तुम्हें दे देंगे सब चीज को। इसलिए कहते हैं ये भागवत नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इसलिए बोले निगमा कल्प तरूर गलितम फलम, बोले ये भागवत क्या है? बोले ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। बोले एक में तो पका हुआ फल है, बोले फल दो तरह का होता है, एक तो जो पेड़ में पक जाए, और एक फल होता है पेड़ से तोड़ करके कच्चा अवस्था में कार्बाइड दे करके, नहीं तो उसको गर्भ में पका लो। बताओ दोनों फल में सबसे मीठा फल कौन सा बनेगा? जोर से बोला। हाँ, पेड़ में जो पका हुआ फल है, इसलिए बोले गलितम, इसे अपने आप ये पक करके, जब ये सूख पखी ने तोता ने चोंच मारे वो फल गिरा, कहते इसलिए पीवतम, कहते हैं कि जो तोता है ना किसी फल में चोंच मार दे, कहते भैया इसमें ज्यादा सा मिठास आ जाती है, और तोता में एक विशेषत्व है, वो किसी कच्चा फल में चोंच कभी नहीं मारता है, वो पक्का फल ही चोंच मारता है। इसका मतलब ये भागवत एकदम पक्का हुआ फल है, ये कच्चा फल है नहीं। इसलिए जब उन्होंने चोंच मारे, मानो ये फल बहुत उच्च सखाई पर था, एकदम पक्का हो जैसे आम है, सूखने चोंच मारे फिर गिरेगा, अगर गिरेगा तो क्या होगा बताओ? एकदम वो फल एकदम तसनस हो जाएगी, फल फट जाएगी। तब यहाँ भैया इतना दूर से फल गिरा, वो फट नहीं गया? बोले नहीं फटा नहीं, बल्कि जितने नीचे आती गई ना उतने उसमें स्वाद आता है। कैसे? बोले सबसे पहले ये फल को कौन खाए? बोले बांके बिहारी, उसमें बांके बिहारी, फिर उसको बाद में वो फल को बोले राधा रानी खाई, उसमें फल में राधा रानी की अधरामृत लगी, उसको नीचे जब आई लगी उसमें और भी ज्यादा मिठास आ गई। जितना नीचे आई ना, पहले तो कृष्ण खाए, फिर ब्रह्मा जी को दिए ब्रह्मा, फिर नारद जी को दिए नारद जी, व्यास को दिए, फिर व्यास से सुखदेव को दिए। इसलिए जितने नीचे आती गई फल सबके सब खाए, उसमें सबके सबका अधरामृत तो उसमें लगा हुआ है। कहते भैया अब फटा नहीं, वो धीरे धीरे जितने नीचे आती गई उतने स्वाद आता गया।
इसलिए क्या करो, खूब पियो, बोले पी बतम, बोले रस को पियो। बोले भैया आपने पहले बता दिया फल है, आप लोग बताओ फल को खाते हो ना फल को पीते हो? जोर से बोला। लेकिन यहाँ कह रहे हैं पियो, ये ऐसे एक दिव्य फल है जिसमें छिलका भी नहीं, जिसमें गुठली नहीं, जिसमें रसी रस है। जैसे किसी चीज को जब हम पीते हैं, आप लोग से कोई चीज को पीते हो, जब पीते हो किधर से पीते हो? मुंह से। लेकिन अभी जिस रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो? कानों से। बोले ये ऐसे के रस है ना जिसको मुंह से नहीं पी जाती है, जिसको कानों से पी जाती है। बोले भैया पीते तो है लेकिन सब निकल जाती है, वो अंदर में रुकती नहीं, वो रस सबके सब निकल जाती है। अब ये ऐसे के रस है, देखो कानों में पीने का और मुंह से पीने का क्या फर्क है? कोई चीज को अगर आप मुंह से पियोगे आप अंदर में रख नहीं सकते, नीचे निकलेगा। कोई भी चीज को मुंह से खाओ और पियो अब रख ही नहीं सकते, निकलेगा ही। लेकिन किस चीज को कानों से पियो फिर निकलेगा? जैसे किसी चीज को कानों से पियो निकलेगा नहीं। इसलिए भैया मुंह से रस को नहीं पियो, किधर से पियो? ये चीज को कानों से पियोगे तो कभी ये निकलेगा नहीं। बोले भैया पीते तो हो लेकिन निकल ही जाता है, रुकती नहीं, क्योंकि उसमें छेदी छेद है हमारे अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह, इसमें छेदी छेद, वो निकलता नहीं। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक घड़ा हो, घड़ा में छेदी छेद हो घड़ा में, अगर कोई चीज को डालो ना क्या होगा, उससे निकल जाएगा। अब से प्रश्न करता हूँ, घड़ा में छेदी छेद है, कोई चीज डालो तो निकल जाएगा, लेकिन बोलते इसे कौन सा उपाय है, भले ही उसमें जितना छेद क्यों नहीं हो लेकिन उसमें डालोगे एक बूंद नहीं निकलेगी, उसमें डालोगे ना उसको कुछ एक बूंद निकलेगा नहीं। बताओ तो जो पीछे बैठे हुए बोलो, जिसमें पूरा छेद छेद है लेकिन अगर डालोगे एक बूंद उसमें रस नहीं निकलेगा, बताओ तो ऐसे कौन सा उपाय है? और कौन बोलेगा? कोई बोल सकते उसमें छेद ही छेद है, कोई चीज डालो निकल जाएगा, ऐसे कौन सा उपाय, जितने छेद क्यों नहीं हो वो एक बूंद नहीं निकलेगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुंह रहो, मतलब है अगर ये कथा रूपी रस में डूबे रहोगे ना, अगर वो कलसी को अगर पानी में ही डूबो करके रख लो, कलसी को पानी में डूबो करके रख लो फिर उससे निकलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में ही डूबा हुआ है। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान की कथा रूपी रस में हर समय डूबे रहते हैं, भैया एक बूंद तुम्हारे दिल से नहीं निकलेगा। जैसे देखो यहां पर हम कथा में बैठे, हम सभी के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह है, सभी के हृदय में। लेकिन आप लोग ये बताओ, आपको कोई काम सता रहा है? ना कोई लोभ सता रहा है, ना आपको कोई मोह कोई सता रहा है, कुछ भी आपको नहीं सता रहे। क्यों? कथा भी रस में आप डूबे हुए। लेकिन कथा से केवल पैंडल से आप बाहर चले जाओ ना, जितने काम क्रोध लोभ आकर के सबके सब आपको परिसर में बैठ जाएगा। इसलिए कहते भैया ये कथा रस को कभी छोड़ो मत, ये कथा रस में हर समय उसमें डूबे ही रहो। बोले भैया ये कथा रस को कौन पान कर सकते हैं? बोले केवल दो व्यक्ति रस को पान कर सकते हैं, जो रसिक और भावुक, मतलब अत्यंत अत्यंत सौभाग्यशाली व्यक्ति ही कथा रस को पान कर सकते हैं। इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं बोले अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई, अति हरि कृपा जा पर होई। Yeah.
कलियुग से डरते हुए बोले कलियुग मतलब बोले प्राप्ति कलियुगे घोरा विवर्जिता कहते कलियुग को वर्णना करते हैं। कलियुग आने पर क्या होगा बोले लोग धर्म कर्म करना सब भूल जाएंगे बोले दुराचार रता सर्वे ये सब के सब दुराचार में मस्त हो जाएंगे सब के सब पाप कर्म करना शुरू कर देंगे बोले सत्य वार्ता परानिमुख कोई सच नहीं बोलेगा सबके सब झूठ बोलना शुरू कर देंगे हैं। और कलियुग मतलब यहाँ केवल कलह जहाँ पर पति पत्नी में कलह भाई भाई में कलह बहु बहु में कलह राज्य में कलह हैं जाति जातियों में कलह ये कलियुग है। इसलिए कलियुग को देख करके लोग डर गए डर करके पितामह ब्रह्मा जी को पास में गए बोले ये कलियुग से हम कैसे बचेंगे बोले चिंता मत करो मैं मन से एक करके फेंकूंगा ये चक्र जहां गिरेगा समझना ये पवित्र स्थान वहीं पर भजन करियो बोले वो चक्र जा करके ये नैमिषारण्य में गिरा और वहीं पर श्री सौनकादि ऋषि लोग वहीं पर बड़ी समय से हजार सालों से वहीं पर यज्ञ कर रहे थे साधन भजन कर रहे थे लेकिन मन में शांति नहीं मिल रहा था हृदय में आनंद नहीं
वो यज्ञ करते 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 उनकी सारी दाढ़ी मोज हृदय तक भी उनकी जल गई। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सूत गोस्वामी आए, बोले देखो सूत दो तरह, एक दो सूत है, एक उग्र सभा सूत और एक लोमहर्षण सूत। देखो ये चीज को समझो, ये लोमहर्षण सूतकण और उग्र सभा सूतकण, कहते ये एक समय श्री लोमहर्षण सूत इनके बेटा उग्र सभा सूत है, एक समय ये जहां पर ये चक्रगृह नैमिषारण्य में श्री उग्र सभा सूत बहुत बड़े बड़े वहां पर बैठे हुए थे, ब्राह्मण लोग साधु लोगों को ये पुराण सुना रहे थे। इतने में श्री बलदेव प्रभु आए, ये बलदेव प्रभु कौन, ये आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु, मूल गुरु यही है। जब बलदेव प्रभु आए वो पुराण तो पाठ कर रहे थे, लेकिन करते करते सोचे कोई बात नहीं, मैं पुराण पाठ कर रहा हूँ अपने आप बैठ जाएंगे, लेकिन उन्होंने उठ करके उनका सम्मान नहीं किया। देखो अगर हम कहीं कथा कर रहे हैं, कोई अच्छे संत उच्च कोटि कोई कोई संत आ जाए ना, नियम है वो कथा को वही रखे कर क्या करो, संतों को पहले, सबसे पहले संतों को सम्मान दो, क्योंकि भगवान का निवास कहां पर, बोले संतों का हृदय में है। इसलिए कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काक लाग पाओ बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद थे, कि सबसे पहले ठाकुर को प्रणाम नहीं, बोले प्रथम तो गुरु पूज्यम, कृष्ण स्वयं कहते हैं। अगर गुरु जी, अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, बोले प्रथम अंतु गुरुम पूज्यम तत्सैव ममार्चन, पहले गुरु जी को प्रणाम करो उसको बाद में मेरी प्रणाम करो, नहीं तो क्या होगा तुम्हारी जो पूजा सेवा सब निष्फल हो जाएगी, वो पूजा की कोई फल नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए भागवत में आगे सुनेंगे, जिस समय श्री अगस्त ऋषि आए और श्री इंद्रदुम्न राजा ठाकुर को पूजा कर रहे थे, शालग्राम पूजा कर रहे थे, इतने में अगस्त ऋषि आए, बोले आए मैं ठाकुर को पूजा कर रहा हूँ अपने आप बैठ जाएंगे, मैं तो ठाकुर को पूजा कर रहा हूँ। इतने में अगस्त ऋषि ने कहा, लगता है तू तो भजन कर रहे हो, सेवा तो कर रहे हो, लगता है किसी शुद्ध वैष्णव परंपरा में तुमने भजन शिक्षा नहीं की। उन्होंने अभिशाप दी, हाथी जैसे डोंट केयर, किसको भ्रुक्षेप नहीं करता है, तेरे व्यवहार हाथी जैसे, तू हाथी बन जा। वो ठाकुर को पूजा कर रहे थे लेकिन ठाकुर जी उनको नहीं बचाए, बोले क्यों, बोले मेरे भक्त जब आए सबसे पहले मेरे भक्तों को सम्मान दो, क्योंकि इसके हृदय में मैं बैठता हूं। इसलिए यहां पर बलदेव प्रभु ने देखा, कहते मैंने आया मेरे को कोई प्रणाम नहीं, कोई सम्मान नहीं, बोले लगता है तू यह पाठ करने का योग्य है ही नहीं। उन्होंने उठाया एक त्रिणिका, उन्होंने गला काट दी, हाहाकार मच गया। ब्राह्मण लोग ऋषि लोग बोले हमें अभी पुराण कौन सुनाएगा, बोले चिंता मत करो, उनका एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था उग्र सभा, उग्र सभा मतलब जिनकी कान बड़े उग्र हैं। इसे जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे वहां पर 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, लेकिन ये सूत गोस्वामी सबसे पीछे बैठे थे। भैया सूत मतलब क्या होता है, आप लोग महाभारत देखे होंगे, ये कर्ण को सबके सब सूत पुत्र करके टोटी करते थे, ले तू सूत पुत्र तू क्या बोलोगे। सूत मतलब होता है जो घोड़ा को, जो रथ को चलाने वाले, छोटे जाति में। लेकिन यहाँ पर श्री सूत गोस्वामी सबसे पीछे बैठे हुए थे, लेकिन सारे ज्ञान को उन्होंने आहरण उन्होंने किया है, सारे सुखदेव गोस्वामी का हृदय की जितने तत्व ज्ञान को उन्होंने सबके सब उन्होंने स्वीकार किया, ग्रहण किया है। इसलिए यहाँ पर जब श्री बलदेव प्रभु श्री उग्र सभा सूत को बुलाए, उसका सर पर हाथ रखे, बोले व्यास गति पर बैठाओ और उसको पुराण सुनाओ। इतने में उन्होंने झटाझट सारे पुराण सुनाना शुरू कर दिया, एकदम सारे ज्ञान को उनके हृदय में बलदेव प्रभु दिव्य ज्ञान को स्पूर्ण कराया। इसलिए जब यहाँ पर श्री सूत गोस्वामी आए, सौनकादि ऋषियों ने उनका आसन देख करके बैठाए, उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले हे सूत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण उपनिषद को अब गुरु जी की कृपा से सब कुछ अध्ययन किया है, समस्त शास्त्र का सारार्थ को आप उपलब्धि किए हो, अब ये घोर कलिजुग है, आप बताओ हमारी कल्याण कैसे होगा। हाँ देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, ये जो शास्त्र है ना, अगर कोई सोचे अरे हमने PhD कर रखा, हम समस्त सारे संस्कृत हमने पढ़ रखा है, हम तो आचार्य कर रखा,
हम अपने आप तो शास्त्र को पढ़ लेंगे। बोले भैया ये जो ब्रह्म विद्या ये अपने आप पढ़ने का वस्तु नहीं, ये चीज गुरुमुखी विद्या है। इसी जगत में देखो जैसे कोई सीए करता है, डॉक्टरेट करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, क्या अपने आप पढ़ लेता है पुस्तक को? पुस्तक तो उसको पास में, लेकिन कोई एक्सपर्ट जब तक कोई सीए को पास में नहीं जाए वो नहीं पढ़ सकता है। जब साधारण विद्या को तुम नहीं पढ़ सकते हो और ये ब्रह्म विद्या को फिर तुम कैसे पढ़ लोगे ये ब्रह्म विद्या को? इसलिए यहाँ पर कहते हैं आप गुरु जी की कृपा से ही ये सारे शास्त्र ग्रंथों का आपने अध्ययन किया है। इसलिए नियम है ये ब्रह्म विद्या श्री गुरु जी की कृपा से ही ये ब्रह्म विद्या जीव को प्राप्त होता है। देखो हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे, ध्यान देकर सुनो कैसे एक चीज कैसे कितने बदली जाती है। गीता तो एक है, भागवत तो एक है, लेकिन इतने टीका कहां से आ गई? गीता की 100 टीका गीता की, कोई कर्म पर हो, कोई ज्ञान पर हो, कोई भक्ति पर हो, कोई पता नहीं अलग अलग सब टीका करे, गीता तो एक ही, इतना अर्थ पर कैसे आ गया, कैसे आ गया? इसलिए हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे कहते यहाँ शास्त्र में केवल शब्द है लेकिन उसका कोई टोन नहीं। देखो गुरु जी बोलते थे जैसे मैंने किसको पूछा भैया तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे, इसका मतलब मेरे को पता नहीं अब कहाँ गए थे। देखो टोन बदल जाए, तुम कहाँ गए थे एक ही शब्द है, लेकिन जब टोन बदल गई ना मतलब तुम जहां पर गया था सही जगह पर नहीं गया, गलत जगह पर गया था तुम कहाँ, लेकिन वही शब्द हाँ तुम कहाँ गए थे, तुम कहाँ गए थे मतलब तुम जहां गया था मेरे को पता है। इसलिए शास्त्र में केवल शब्द है लेकिन टोन नहीं। इसलिए कहते ये चीज कैसे प्राप्त होगी, कहते ये गुरुमुखी विद्या है। इसलिए कहते आप गुरु जी की कृपा से ही ये वेद पुराण उपनिषद को अपने सब कुछ अध्ययन किया। आप बताओ ये कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होएगा? बोले प्राप्ते कलियुगे प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाबस्मीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुपद्रुता। बोले ये कलियुग कैसे है? बोले प्राय करके लोग का परमा कम है, सत्य युग में 100,000 साल जिंदा रहते थे, अब सुने होंगे 10,000-20,000 बिना खाए पिए सबके सब भजन करते थे क्योंकि रहते थे 100,000 साल। लेकिन त्रेता युग आ गया, 100,000 से हो गया 10,000, उसमें के सुनौटा तो 10,000 हो गया। फिर द्वापर युग आ गया, 10,000 से एक सुना हटाओ कितना होगा बोलो, 10,000 से एक सुना हटा दो कितना होगा बोलो, कितना होगा जोर से बोलो, 1,000। ये द्वापर युग में 1,000 साल रहते थे। कलि युग आ गया, 1,000 से एक सुना हटा दो कितना होगा बोलो, 100। लेकिन जब घोर कलि युग आएगा ना 100 से 10 हटा दो कितना होगा बोलो, कितना होगा 100 हो जाएगा। जब ये घोर कलि युग आएगा क्योंकि हर चीज हाइब्रिड से बन रहा है, आपको कोई प्योर चीज मार्केट में नहीं, लिखा हुआ प्योर घी, लिखा हुआ प्योर घी, पता नहीं कुछ दिन पहले घी बना रहे थे जानते हो, वो बना रहे थे केवल हड्डी को गला गला करके सेंट डाल करके, घी का कोई नाम नहीं था, वो पकड़े गए। इसलिए लिखा हुआ प्योर घी, पता नहीं किस चीज में घी बना हुआ, कोई प्योर चीज मिलती नहीं। इसलिए कलयुग में धीरे धीरे परमायु धीरे धीरे ये घटते 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 यहां तक बताया बैगन भी तोड़ नहीं सकते हो, इतने छोटे छोटे हो जाएंगे, बैगन भी तोड़ा नहीं जाएगा है कलयुग में। इसलिए कहते कलयुग में बोले झुपद्रुता, बोले झुपद्रुता मतलब क्या है, बोले भक्ति के लिए बड़ा बाधक है। अगर पत्नी अगर कथा सुनने के लिए आती है, अगर उसको भक्ति में रुचि हो गई, थोड़ा भगवान के भजन करना शुरू कर दे, पति बोलेगा कौन सा बाबा के चक्कर में तू पड़ गई है, क्या माला सो कंठी तुमने ले लिया। अगर पति अगर किसी अगर भक्ति का संबंध में आए, अगर थोड़ा सा भक्ति भजन में लग जाए, पत्नी बोलेगा कोई काम धंधा नहीं, जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो। अगर बच्चा अगर थोड़ा भक्ति में भजन में आए, बच्चा बोले ये कोई तरह उम्र है भजन करने का, अभी से सब कंठी माला तिलक अभी से तुमने क्या ले लिया। लेकिन शराब अगर पीता ना भरी भरी घूट, बड़ा थोड़ा आडवान शराब पी रहे ना, अगर सिगरेट फूक रहे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो हैं, लड़की बाजी कर तो सबसे बढ़िया काम कर रहे हो। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करे ना, ये भागवत कह रहे झुपद्रुता, कलयुग में
बड़ा बाधा है भगवान की भक्ति में। अब गंदे काम के लिए कोई नहीं रोकेंगे ठोकेंगे, लेकिन प्रभु का भजन करना शुरू कर दो। जैसे मीरा, हम लोग नाम सुनेंगे मीरा की। जब मीरा ने भगवान की भक्ति की, उसका पूरा परिवार, भजन करना थोड़ी कोई बुरा बात है, वो तो भक्ति कर रही थी, उसका पीछे उसको पति, उसका जेठ, उसका देवर, उसकी ननद, यहाँ तक भी गांव के कुत्ते तक भी उसको पीछा नहीं छोड़ी। सबके सब उसको विरोध में हो गए, बोले क्या ये संतनों के साथ में हरी बोले हरी बोले बोलते रहती हो? राजा ने घर में तुमने जन्म ली, राजा घर में, हाँ राज रानी, ये क्या हरी 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 बोलते रहते हो है? इसलिए भैया केवल कली युग में नहीं, सत्य युग से भी है। सत्य युग में प्रहलाद जब भजन की, उसका पिता ही विरोध हो गया। तृतीया युग में जो मेघनाद ने, तृतीया युग में जो विभीषण ने भजन की, रावण उसका विरोध हो गया है, रावण उसका विरोध हो गया। और द्वापर युग में कहते, सिर्फ द्वापर युग में, सब युग में जो भक्ति करे ना, सबके सब उसके विरोध हो गए। लेकिन होने पर भी, लेकिन जगत में नाम किसका हो रहा है? प्रहलाद का नाम हो रहा है ना, हिरण्यकश्यप का नाम हो रहा है, अब रावण का नाम हो रहा है ना, विभीषण का नाम हो रहा है। इसलिए जो भक्ति के विरोध करते हैं ना, अब लोगों को देखना, अभी भी रावण का पुतला जलाते हैं, जलाते ही नहीं रावण की, अभी भी विभीषण की पूजा होती है, अभी भी कंस की पुतला, अभी भी ब्रज में कंस को मार मार करके डंडा मारते मारते उसको भगाते हैं, और अभी भी उसको पुतला में आग लगाई जाती है। शिक्षा देते हैं, अगर भगवान की भक्ति के विरोध करेंगे ना भैया, मरने का बाद उसका पुतला जलाया जाता है। लेकिन भगवान की जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, उसको सत्य युग से भी उनकी पूजा होती भी आ रही। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, तुलसीदास, जगत में इनकी जय जयकार हो रहा है, पूजा हो रही है। इसलिए यहाँ पर श्री सौनकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, ये कलयुग में भक्ति में बड़े बाधा है, इसलिए आप कृपा करके बताओ। बोले क्या बताओ? तब उन्होंने छह प्रश्न किया है, और ये छह प्रश्न का जो उत्तर, ये पूरे की पूरी भागवत है। आज मैं बताऊंगा छह प्रश्न, और कल आपसे सुनूंगा, मैं देखूंगा कौन मेरे को बोल पाएगा, जो बोलेगा मैं उसको इनाम दूंगा। इसलिए अच्छे तरह से सुनो, कल मैं पूछूंगा सबको, ठीक है? हाँ, इनका जो पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? देखो ये जो प्रश्न है ना, ये करोड़ रुपया की प्रश्न है। आप देखना, संसार में हम जो कुछ करते हैं, शांति सुख के लिए ही करते हैं, शांति सुख के लिए सारे काम, शांति सुख के लिए करते हैं। लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देख लेना, जैसे घर में कोई एक समस्या, सोचते हैं एक समस्या अगर दूर हो जाएगी शांति मिलेगी। अब देखना, एक समस्या तो दूर हुई नहीं, अब देखना दूसरा समस्या है। फिर सोचते हैं भैया ये समस्या किसी तरह से दूर हो जाएगी, चैन मिलेगी, अब देखना वो समस्या तो दूर नहीं हुई, तीसरे समस्या। जैसे मकोड़े जाल बनाते बनाते फंस जाते हैं ना, हम भी उसी तरह संसार में भी हम फंस जाते हैं। इसलिए इनका पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसलिए ये प्रश्न करोड़ रुपया के प्रश्न है। हमारे पास में बहुत धन दौलत है, हमारे पास में दुनियादारी, संसार की वस्तु, दुकान मकान, सब कुछ हमारे पास में, लेकिन शांति नहीं। बताओ वो चीज का कोई महत्व है? वो चीज का कोई महत्व क्या है? अगर दो सूखे रोटी में अगर शांति मिलती है ना, ये अनमोल वस्तु है, दो सूखी रोटी में अगर शांति मिलती है। इसलिए जगत में सबसे जो कीमती चीज है, शांति और सुख है। इसलिए इनका यही प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? दूसरा प्रश्न है, कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है? देखो हर प्रश्न में ये जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न था शांति मिलेगी कैसे, दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय। इसका तात्पर्य है भैया जब तक तुम भगवत प्राप्ति नहीं करोगे, भैया जो कुछ भी कर लो, जीवन में शांति नहीं मिलेगी। तभी मिलेगी जब जीवन में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भगवत प्राप्ति करने के लिए सबसे सरल उपाय किया है। देखो हमारे मन में एक धारणा, क्या धारणा जानते हो? अगर ज्यादा पैसा अगर हम कमा लेंगे, शायद संसार में शांति मिल जाएगी, हम लोग ये सोचते हैं। आप लोगों ने रावण का नाम जानते हो? कौन कौन रावण का नाम सुने हो, हाथ उठाओ तो। कौन कौन रावण का नाम जानते हो? कोई हाथ नहीं उठा रहे। देखो हम जो सोचते हैं ज्यादा पैसा होने पर शांति मिलेगी,
रावण को पास में सोने की लंका थी, हमारे पास में कितना सोना होगा? 1 किलो, 2 किलो, कितना किलो है? 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, इससे तो ज्यादा सोना नहीं होगी ना। लेकिन उसको पास में सोने की लंका, सोने की। फिर क्या सोचते हैं, अच्छी किसी छोरी से शादी हो जाए ना, फिर तो शांति मिलेगी। उसकी रावण का पत्नी का नाम क्या थी? मंदोदरी। मंदोदरी का मतलब आपको पता है? मंद मतलब होता है कमर, उधर मतलब कमर, मंद मतलब पतली। जिसका कमर बहुत पतली थी वो मिस यूनिवर्स थी, वो विश्व सुंदरी थी। किसकी कन्या बेटी थी? किसका बेटी थी? कहते इनका जो पिताजी का नाम क्या था? क्या नाम था? विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा ने सारे अच्छे गुण दे दे करके उसको बनाई थी अपना बेटी को। अब रामायण सुने होंगे, जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढने के लिए पहुंचना, जब उन्होंने मंदोदरी को देखी भ्रमित तो हो गए, यही तो माँ लक्ष्मी नहीं, यही तो माँ सीता नहीं, बल्कि इतनी सुंदरी देखने में थी, पत्नी बड़ी सुंदरी। फिर बेटा कहते तो अच्छा छोरे मिले तो सुखी हो जाएगी। उसका छोरा का नाम था मेघनाथ, इंद्रजीत, कितना बलवान। लेकिन क्या वो लंका में चैन से जी रहा था? बेचैन से जी रहा था, कोई चैन से नहीं जी रहा था, बेचैन से। इतने सुंदरी सुंदरी पत्नी होने पर भी कोई उसकी अंदर में चैन नहीं, तभी फिर सीता को उठा करके लेकर गया। लेकिन वहां चैन से कौन जी रहा था? एक व्यक्ति केवल चैन से जी रहा था। बताओ तो वो व्यक्ति कौन था? जोर से बोलो। हाँ देखो, यही शिक्षा देते हैं, जब तक भगवान की भक्ति केवल, क्यों भगवान की भजन करता था इसलिए वो चैन से जी रहा था, ये बेचैन से क्यों जी रहा था? भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। हरि से विमुख होकर के अगर रावण जैसे सुखी नहीं हो सके, फिर हम कितने पैसा कमाओगे, कितने अच्छी लड़की से शादी करोगे, कितने बच्चे को जन्म दोगे, सुखी रहोगे? इसलिए जिस समय हनुमान लंका जलाया, अब लोग को पता होगा ना लंका जलाया, आपसे एक प्रश्न करता हूं, भैया जिसकी सोने की लंका थी, सोने में आग लगती है? हाँ बताओ, सोने में कभी आग लगती है? सोने में आग लगे ना, देखो ना चमकती है, वो जलती नहीं। लेकिन ये कहते भैया हनुमान जी सोने की लंका जला कर राख कर दी, मतलब क्या है? अगर तुम्हारी सोने की लंका क्यों नहीं हो, अगर भगवान की भक्ति नहीं करोगे ना, हनुमान जी कौन? स्वयं शंकर जी है। कहते भैया वो सोने की लंका भी जल करके राख बन जाएगी अगर प्रभु की भक्ति नहीं करोगे। लेकिन एक व्यक्ति का घर उसने छोड़ दिया था, सब जला दिया। किसका घर छोड़ दिया था? केवल उन्होंने विभीषण के घर छोड़ दिया। क्यों? प्रभु राम की शरण में था। वो शिक्षा देते हैं, अगर हम प्रभु की शरण में रहेंगे ना भैया, हमारे घर कभी जलेगी नहीं, हमारे घर कभी जलेगी नहीं है। अगर प्रभु की शरण में जाओगे तो आनंद आनंद में रहोगे, खुश खुश में ही रहोगे। इसलिए इनका दूसरा प्रश्न है, भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है? तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान कृष्ण की, बांके बिहारी जी की कथा सुनाओ। लेकिन कृष्ण एक होने पर भी कृष्ण तीन है, क्योंकि इनका तीन धाम है। एक इनका अयोध्या, एक द्वारका धाम है, इनके एक मथुरा धाम है और एक ब्रज धाम है। हम ये तीनों धाम की हमें कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है, बोले केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले उनकी अवतारों का भी कथा सुनाओ है। इसलिए बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। भगवान युग युग में कभी राम रूप में आए रावण को मारे, कभी ठाकुर जी कुरुम अवतार में उन्होंने मंदराचल पर्वत को धारण की, कभी बामन बन करके आए उन्होंने बलि महाराज को कृपा की। इसलिए हमें भगवान के जितने अवतार हैं और सारे अवतार का भी कथा सुनाओ। उनका जो पंचमा प्रश्न है, भगवान की अद्भुत जसों की कथा भी सुनाओ। छठवा प्रश्न है, भगवान जब ये दुनिया छोड़कर गए, ये धर्म कहाँ आश्रय लिया? क्या धर्म कहाँ आश्रय लिया? बोले भागवत में ही ये धर्म आश्रय ग्रहण की। जब उन्होंने प्रश्न की, प्रश्न सुनकर के बहुत खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, वाह कितने सुंदर तुमने प्रश्न की। अभी ये प्रश्न का उत्तर में केवल हमें ठाकुर जी की कथा सुनना बोलना पड़ेगा। शिक्षा देते हैं,
किसी भक्तों को पास में जा करके अगर उनको प्रसन्न करना चाहते हो ना भैया, दुनियादारी कोई बात मत करो, क्योंकि जो सचमुच से संत हैं वो क्या करते हैं, बोले मत कथा मदगता चिंता बोधयन्ते परस्परम। जो सही संत हैं केवल हरि चर्चा ही उनका आनंद देता है, दुनिया की चर्चा केवल दुख ही दुख है। अगर उनको प्रसन्न करना चाहते हो ठाकुर के बारे में पूछो, अगर दुनियादारी के बारे में पूछोगे जो सही संत वो तो प्रभु के चिंतन में डूबे रहे। अगर दुनियादारी बात करो उनको प्रभु की चिंतन छुड़ा करके तुमने संसार की बात में ले आए वो खुश कभी नहीं होंगे। लेकिन अगर उनको खुश करना चाहते हो उनको हरी चर्चा भगवत चर्चा कराओ, वो सही संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए सुतो गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह कितने सुंदर तुमने प्रश्न किए, जिसकी चर्चा में केवल ठाकुर की चर्चा, जिसमें आनंद ही आनंद है, जिसमें रसी रस है प्रभु की चर्चा में। बोले पहले भैया मैं अपना गुरु जी को पहले मैं प्रणाम करता हूँ। बोले बंदा गुरु पद पदो मा परागा, गुरु पद पदो मा परागा, गोस्वामी जी कहते हैं बिनु गुरु भवन इति तरई न कोई, जो ब्रिजि शंकर संभव। बोले ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, लेकिन जीवन में अगर हम सदगुरु चरणाश्रय नहीं किया तो संसार से पार हो ये नहीं सकते हो। इसलिए सबसे पहले गुरु जी की प्रणाम किया। देखो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान देखो। आप लोग पानी में देखना एक चिड़िया रहता है वो काला रंग का, वो पानी में डूब करके मछली पकड़ता है। लेकिन जो मछली पकड़ेगा आप देखना, वो मछली को पकड़ कर खाने जाएगा, पकड़ करके वो ऊपर फेंकेगा, फेंक कर उसको दो बार पकड़ेगा फिर जाकर खाएगा। इसकी एक कला है। किसी एक व्यक्ति ने ये कला को देख करके उसने सीख लिया। उसने क्या किया, लकड़ी का एक चाकू बनाता है और उसको ऐसे फेंक करके फिर दांत पकड़ता है। जब अच्छे तरह से उसने प्रैक्टिस कर लिया, अब उसने लोहे की चाकू बना करके ऐसे फेंकता है फिर पकड़ता है। जब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया, उसको ही अपना जीविका निर्वाह में लगा दिया। जब देखे बहुत सारे लोग इकट्ठे, वो बड़ी जोर से ड्रम बजाएगा। जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे फिर उसको फेंकेगा फिर पकड़ेगा। एक व्यक्ति देख कर बोले वाह तेरे गुरु जी को धन्य है जिसने तेरे को ये विद्या सिखाई। उसने कहा मैंने मेरा थोड़ी कोई गुरु जी है, हमारे कोई गुरु जी गुरु जी नहीं है, हम तो अपने आप सीख गया। आप बताओ उसका गुरु जी कौन था, वो चिड़िया था। एक व्यक्ति ने कहा भैया और एक बार दिखा। उसने चाकू को जोर से फेंका, जब पकड़ने के लिए गया उसको नाक में गिरा तो नाक ही कट गई। देखो अभी उसका विद्या सक्सेसफुल हो रहा था, क्यों, चूंकि उसने गुरु जी का अनादर नहीं किया है। लेकिन अभी केवल चिड़िया उसकी गुरु है, चिड़िया उसकी गुरु है, लेकिन अगर उसको जब अनादर की नाक ही कट गई। इसी का तात्पर्य है भैया, जब तक गुरु जी नहीं होना, भगवान कृष्ण भी जीवन में गुरु ग्रहण किया, किसको, बोले शांति पर मुनि को पास में पढ़े, जो मथुरा में थे गर्गाचार्य जी उनको गुरी, भगवान राम भी वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाए, चैतन्य महाप्रभु श्री ईश्वरपुरी को अपना गुरु बनाए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने गुरु जी के चरण को प्रणाम करते हैं। बोले श्री गुरु जी महाराज की, कहते भैया मेरे गुरु जी कौन है, बोले जम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृतम। मेरे गुरु जी साधारण व्यक्ति नहीं, श्री सुखदेव गोस्वामी जो मातृ गर्भ में 16 साल तक रहे, साधारण बच्चा 9 महीना तक रहता है, हाँ, लेकिन वो 16 साल तक रह करके पेट में वहीं पर ठाकुर जी के भजन कर रहे थे।
व्यास देव जी ने कहा बेटा मैया को इतना क्यों कष्ट देते हो, बेटा बाहर निकल करके आ जा। अंदर से आवाज आई, बोले पिताजी मैं बाहर निकलना नहीं चाहता। बोले क्यों? बोले माया पकड़ लेगा, क्योंकि मातृगर्भ में जब बच्चा को कष्ट होता है हर बच्चा भगवान को स्मरण करता है, प्रभु ये नरक से मेरे को निकाल दो। लेकिन जन्म होते ही ना ठाकुर जी कहते बताओ क्या करोगे, बोले दिन रात तेरा भजन करेंगे। लेकिन वो बच्चा जन्म लेकर के ना सब भजन भजन छोड़ देता है, भक्ति भक्ति वो छोड़ देता है। इसलिए बोले मैं संसार में आना नहीं चाहती, माया की संसार। बोले मैं माया को हटाता हूँ। बोले आप नहीं हटा सकते हो, मायापति कृष्ण ही हटा सकते हैं। जब उन्होंने माया को हटाया, श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की। लेकिन वो जन्म होते ही वो 16 साल के जैसे जन्म हुए, संन्यास लेकर के जा रहे थे, पीछे पीछे व्यास थे, हा पुत्र बोल करके पुकार रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था, कौन किसका बेटा है, कौन किसका पिता, सब झूठा संसार है। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं मेरे गुरुदेव ये लता पता वृक्षों में भी मेरे गुरुदेव का विद्यमान है। जब मेरे गुरुदेव सर्वत्र विद्यमान है, मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। और इनका प्रश्न का उत्तर जैसे मैं सही सही दे सकता हूँ, फिर इनका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप लोग बताओ तो इनका पहला प्रश्न क्या था, बोलो। आप लोग भूल गए, जोर से बोलो। आत्मा को, देखो ये करोड़ रुपया की प्रश्न है। हम सबके सब जीवन में शांति सुख चाहते हैं। अगर हम शांति सुख चाहते हो ना, अब इसका आंसर सुन लो, कितने बढ़िया उन्होंने आंसर दिया है। बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधक्षजे आहाय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसिद्धति। बोले हे सोनगाद ऋषियों, तभी जीवन को संपूर्ण शांति मिलेगी। लेकिन इस संसार में तो शांति है, थोड़ी सुख तो है, तभी तो जिंदा है। लेकिन जो सुख है ना वो थोड़ी समय के लिए आता है, फिर देखता है सुख कहीं गायब हो जाती है। लेकिन यहाँ कहते हैं संप्रसिद्धति, आत्मा को तभी पूर्ण शांति मिलेगा। बोले कैसे पूर्ण शांति मिलेगा? बोले सबई पुंसांग परो धर्म, हर पुरुष मात्र का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, पहले ये पता लगा भैया मैं कौन हूं, उसको बाद में फिर धर्म निरूपण करो। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने के लिए गए, वहां पर आपको पूछा जाएगा भैया आपका क्या क्वालिफिकेशन है, सबसे यही पूछे जाएंगे ना भैया, आप सीए किया ना, आपने इंजीनियरिंग कर रखे ना, डॉक्टर डिग्री कर रखे, फिर तो आपको वैसे ही नौकरी मिलेगा। इसलिए सबसे पहले ये पता लगा भैया मैं कौन हूं, उसको बाद में फिर धर्म निरूपण करोगे। इसलिए कहते हम कौन है, कहते जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाश, हम सबके सब ठाकुर का ही औलाद, ठाकुर जी की संतान है। जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मम इमांस जीव लोके जीव भूत सनातन, जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं, हम सबके सब ठाकुर जी का औलाद है। भैया फिर जब भगवान की औलाद है फिर क्या करनी चाहिए, फिर ठाकुर जी को तो भक्ति करनी चाहिए, ठाकुर जी की ओर प्रेम करनी चाहिए। बोले सबई पुंसांग परो धर्म, जीव मात्र का जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान को प्रेम करना, भगवान को भक्ति करना ही यही जीव का परम धर्म है। जगत में तो बहुत सारे धर्म, वो धर्म नहीं कर्तव्य है। जैसे पत्नी को प्रेम करना, पति को प्यार करना, बच्चों को प्रेम करना, पिता माता की सेवा करना, ये कर्तव्य है, ये धर्म नहीं है, ये आपकी कर्तव्य है। लेकिन जो धर्म है ना वो धर्म केवल भगवान को भक्ति करना ही, यही एक धर्म है, यही जीव का एक परम धर्म। देखो जैसे आप लोग कोई आग जलाओ, अब बताओ लोह किधर जाएगी, बताओ तो उसका लोह किधर जाएगी, क्यों ऊपर क्यों जाएगी, इधर इधर क्यों नहीं जाती, बताओ क्यों नहीं जाती, क्योंकि इसका जो मूल है ना ये सूरज है। जैसे पानी डालो वो पानी किधर जाएगी, नीचे। बोले नीचे की ऊपर क्यों नहीं जाती, पहले नाली में मिलेगा, फिर जाकर के मिलेगी नदी, फिर लास्ट में समुद्र में मिले, क्यों, वो आया समुद्र से। एक पत्थर ऊपर में फेंको, पत्थर किधर जाएगा, नीचे जाएगा। बोले नीचे की ऊपर क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि उसका ही वो टुकड़ा है। उसी तरह हम भी जीवन में शांति सुख, हम भी जीवन में शांति सुख ढूंढते हैं। भैया हम शांति सुख क्यों ढूंढते हैं,
जगत में कोई दुख चाहता है? बताओ, कोई जगत में दुख चाहते हो? कोई मांगते हो दुख? नहीं। जीवन में सबके सब शांति सुख चाहते। बोले क्यों? बोले कारण है, जो जीव है कहते सचिदानंद रूपाय, भगवान की तीन स्वरूप है, सत चित और आनंद। सत्य स्वरूप भगवान, ज्ञान स्वरूप और भगवान आनंद स्वरूप भगवान है। और हम लोगों कौन है? उनकी संतान है। देखना, भगवान सत स्वरूप है, इसलिए भगवान की कहीं भी देखो तस्वीर, देखो ठाकुर जी की कहीं है तो, भगवान कृष्ण का तस्वीर देखो, भगवान कोई बूढ़े हुए हैं? ठाकुर जी कोई बूढ़े नहीं। हर समय 14.5 साल से कभी ठाकुर उसको ऊपर होते ही नहीं, इसलिए हम हर समय हम भी वही स्वरूप चाहते हैं। अगर एक बाल पक गया ना, उसको उखाड़ देते हैं। हम क्रीम क्यों लगाते हैं? ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हो? भले ही तुमको 80 साल के हो गए हो, आप शीशा में देखो, कभी कोई नहीं सोचता है मैं 80 साल का। सोचेगा अभी तो मैं 12 साल की हूं। ये आश्चर्य चीज, कारण यही है, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, हम इनकी औलाद है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, जिंदगी भर एमए पीएचडी डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक व्यक्ति को बोले सचमुच से जो बेकूफ हो, उसको बोले तेरा बुद्धि नहीं, क्या बोलेगा? मेरा नहीं ना, तेरा नहीं है, वो मानना नहीं चाहता है। भगवान आनंद स्वरूप है, इसलिए जिंदगी भर आनंद की खोज में ही हम लगे हुए। अभी प्रश्न है, फिर ये आनंद क्यों नहीं मिलता है? तो ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, कहते अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये चीज को अच्छे तरह समझो, इसमें तीन वार आया है, अथह अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अथह मतलब क्या है? जीवन में हम सबके सब सुख ढूंढते हैं, अतः मतलब क्या? मिलता नहीं क्यों? कारण है, जहां ढूंढने पर मिलेगा तुम वहां नहीं ढूंढ करके गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। जैसे कोई चीज हमारी यहाँ खो गई, अगर मैं रोड में ढूंढूंगा तो क्या मिलेगा? वहां वो मिलेगा नहीं, जहां पर खोया तू वहीं पर ढूंढो। उसी तरह ये ब्रह्म सूत्र कहता है, फिर आनंद हमें क्यों नहीं मिल रहा है? बोले इसलिए नहीं मिल रहा है, जहां तुम ढूंढनी चाहिए तू गलत जगह पर ढूंढ रहे हो। कहां पर ढूंढ रहे हो? ये संसार में। शायद पढ़ाई में शांति मिलेगी, शादी से शांति मिलेगी, पैसा कमाने से शांति मिलेगी, बच्चे देने पर शांति मिलेगी, दुकान मकान बनना पर शांति मिलेगी। भैया जहां पर खोया तो वहीं पर ढूंढो। तुम तो भगवान की ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम तो ठाकुर जी के औलाद हो। जब तक ठाकुर जी की शरण में नहीं जाओगे, ये जगत का कोई भी वस्तु तुम्हें आनंद नहीं दे सकता है। अगर शांति बनना चाहते हो क्या करो? भगवान की शरण में जाओ। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अरे बार जोर करके हरे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। एक छोटी सी कथा सुनो, शांति कैसे मिलेगी? बोले देखे एक समय कोई एक राजा था, लेकिन वो राजा के घर में कोई संतान नहीं। राजा बड़ा दुखी, लेकिन एक बड़े कष्ट से उसको घर में एक संतान की जन्म हुई। लेकिन वो जो बच्चा छोटा अवस्था में गुंडे लोगों ने, डाकुओं ने उसको किडनैप कर लिया पैसा की लोभ से। अभी राजा का तो दुख का कोई सीमा नहीं। एक दिन उसको घर में कोई अच्छे कोई संत आए, बोले महाराज सब कुशल मंगल है ना? बोले महाराज क्या बताऊं, घर में संतान थिया नहीं, ठाकुर को कृपा से के संतान हुई, लेकिन वो बचपन से ही किडनैप हो गया, हम तो बड़े दुखी है। लेकिन वो संत बड़े पहुंचा हुआ संत था, बोले मैं देखता हूँ बच्चा कहाँ है। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान से सब कुछ देख लिया, बोले महाराज तेरे बेटा ठीक है। बोले जिंदा भी है? बोले जिंदा भी है और सही सलमत सही रूप में भी अभी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बच्चा हुआ है। बोले बताओ वो कहाँ पर, अभी मैं उसको ले आता हूँ। बोले महाराज बीच में गड़बड़ी भी हो गई। बोले क्या हुई? बोले उसको बचपन से उठा करके ले गए थे, अभी जो उसको उठा करके ले गया था ना, बच्चा तो बड़ा हो गया, लेकिन जो उठा करके ले गए थे वही कह रहे हम तेरे पिता माता है। छोटी सी झोपड़ी में रहता है, कहते यही तेरे घर है, और उसका असली उसको परिचय नहीं दे रहे हैं, इसलिए अगर आप लाओगे ना आपको पिता माता रूप में स्वीकार नहीं करेगा। बोले फिर, बोले अगर आप बोलोगे पहले वो बच्चे को मैं जाकर समझा देता हूँ, अगर वो समझ जाएगा फिर बच्चे को ले आओ।
बोले बाबा आपको तो बड़ी कृपा होगी, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। वो संत गए, बच्चे को बोला इधर आ। बोले तेरे घर कहाँ पर है? बोले छोटी सा झोपड़ था, झोपड़ी थी। बोले ये घर है। बोले तेरे पिता माता कौन? जो गुंडे डाकू थे ना। बोले ये मेरे पिता माता है। बोले देख बेटा तेरे को एक सही घटना बताता हूँ। बोले बताओ। बोले ये तेरे घर भी नहीं, ये तेरे कोई पिता माता नहीं। बोले क्या बोल रहे हो? बचपन से मैं यही देख रहा हूँ। बोले इसीलिए तो मैं तेरे को समझाने के लिए आया हूँ। ये देश का जो राजा है ना, ये तेरे पिता माता है, राजा राणा। तेरे जो घर है ना, राजमहल तेरे घर है। ये राजा राज्य का एक दिन तू राजा बनने वाला। बोले फिर? बोले जब तू छोटा बच्चा था, तेरे को ये डाकुओं ने पैसा के लोभ से किडनैप किया है। देख पिता माता को चेहरा में बच्चे का चेहरा मिलता मिलता कि नहीं? हम कहते ना देखो ये बच्चे में माता जी की चेहरा आया, इसमें पिताजी की चेहरा। बोले दोनों का चेहरा कभी कभी बच्चे में आता है। बोले देख तू कितने सुंदर लंबे चौड़े गोरे, और तेरे चेहरा को साथ में मिलाओ, कौन मिलता है? राजा रानी को साथ में मिलाओ और ये डाकुओं को साथ में मिलाओ, जो उसने अभी तक तो उसने कभी सोचा ही नहीं। जब उन्होंने ये बात बताया ना, उसने मन मन में सोचा, बोले बात तो सही बता रहे हो, इनको साथ में मेरे तो चेहरा एकदम नहीं मिल रहा है, मेरे चेहरा तो ये राजा रानी से मिलता है। बोले बेटा तुम राजा रानी की बच्चे हो, तेरे को बचपन में पैसा के लोगों से किडनैप किए हो, देश का एक बार राजा बनने वाले घर में चलोगे? बोले तो बड़ी कृपा होगी। बोले चिंता मत करो। फिर उन्होंने गए, फिर उनको राजा रानी को समझाए, अमुक स्थान पर है वहां पर घेराव करो और सारे गुंडों को जेल में बंद करो और अपना बच्चे को घर में लाओ। जब उन्होंने बच्चे को घर में लाए, बोले हे भगवान हमारे राजमहल घर है, छापान भोग 36 व्यंजन रोज भोजन करने वाले, और एक दिन देश का मैं राजा हूं। भैया मैं कहां छोटी सी चौपड़ी में रह रहा था, हमारे नसीब में सूखे रोटी भी नहीं मिल रहा था, अभी तो आनंद आनंद है। देखो ये जो कथा है ना, हमारी अपना जीवन की कथा है। बताओ हम लोग कौन है? ये वेद कहता है अमृतस्य पुत्रा। हम साधारण घर के बच्चे नहीं, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव तुमेव विद्याम द्रविण, तुमेव तुमेव सर्वम मम देवदेव। कौन है कि भगवान हम उनकी औलाद है, रहने वाले कहाँ के? गोलोक वृंदावन में ठाकुर जी के चरण में रहने वाले, लेकिन हम लोगों ने सब किडनैप हुए। अब मानते हो आप लोग सबके सब किडनैप हो? कौन कौन मानते हैं हम सबके सब किडनैप हो? सबके सब हम किडनैप हुए हैं। हम जिसको घर मान रहे ना, हमारे पहले पिताजी के पिताजी के पिता भी घर मान कर गए, वो भी गए, हमें भी एक दिन जाना पड़ेगा, हैं? घर से हमें छोड़ना पड़ेगा, चाहने पर भी घर में रह नहीं सकते, वो परमात्मा चले जाए, एक घंटा भी ज्यादा तुमको घर में रुकने नहीं देंगे, निकालो 13 दिन तक अपवित्र रहेंगे, गंगा पानी से छिड़काव कराएंगे और कांटा बीच में गाड़ देंगे, दोबारा नहीं आ जाए घर में, बनाया तुमने तुम्हारी दुकान वकान तुमको घर में घुसने नहीं देंगे, हैं? इसलिए हम सबके सब ठाकुर जी के बच्चे हैं, लेकिन भगवान को भूलने का वजह से ये माया के संसार में आकर के कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई नन से ननद से दुखी, कोई दुखी 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 भोग कर रहे, दुखी दुखी भोग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम ठाकुर जी की शरण में चले जाए, बस आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। अभी प्रश्न है हम वहां पर जाएंगे कैसे, इसलिए इनका यही दूसरा प्रश्न है। कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल साधन क्या है? हाँ ये दूसरा प्रश्न है। तो इसका उत्तर श्री सुत गोस्वामी देते हैं। बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम् अकूत भयम् योगिनाम नृप निर्णित हरे नामानुकीर्तन। भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय दिया। बोले ज्यादा कोई कष्ट करने का कोई जरूरत नहीं, मना कर दिया। कलयुग में ज्यादा कष्ट करने का जरूरत नहीं, बस चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहते हैं, अगर ढोलकी मजरा हो अच्छी बात है, अगर घर में कुछ भी नहीं होना, भगवान दो हाथ दिया है, थोड़ी से हाथ में ताली बजाते हुए बोले कली युग के बलना मा आधारा, कली युग के बलना मा आधारा, कली युग के बलना।
सुनेरी नारा उतरा ही तारा सुनेरी सुनेरी नारा उतरा ही तारा काली जोगा से जो कुछ काम करते हो ना हाथों में ठाकुर जी को सेवा मान कर करो। जैसे घर में झाड़ू लगाते हो, कहाँ झाड़ू लगा रहे हो? ठाकुर जी के मंदिर में। बोले किस लिए? अगर कभी ठाकुर जी घर में घूमे फिरे, अगर कोई धूला होगा ठाकुर जी के चरण में लग जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ठाकुर जी को घर नहीं ठाकुर जी के मंदिर को साफ कर रहे हैं, रसोई बना रहे हो है। बोले किसके लिए रसोई बना रहे हो? बोले भगवान को भोग लगेगा, इसलिए हाथों में ठाकुर को रसोई बनाओ और मुंह में क्या करो भगवान के नाम लो। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, बोले देखो जो गोपियां है ना वो कोई त्यागी संत नहीं थी, घर में ही थे ये गोपियां, घर में रहती थी लेकिन जो कुछ करती थी, जैसे बच्चों को थपथप लगा करके सुला रही है गोपियां, लेकिन इधर तो थपथप लगा कर सुलाती है लेकिन उधर मुंह से क्या बोलती थी? बोले गोविंद दामो दर माधवेती, 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 गोविंद दामो गोविंद दामो शर माधवेती, गोविंद दामो शर माधवेती। कलयुग में ठाकुर जी कितने आसान रख दिया, जो कुछ हाथों में करो ठाकुर को सेवा मान कर करो और मुंह में भगवान का नाम, हाथों में काम और मुंह में अजोर से बोला मुंह में नाम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। हाँ देखो ये चीज को ध्यान देकर सुनो, कितने अच्छी बात भगवान कह रहे हैं, ये महाप्रभु कह रहे हैं भगवान का नाम। बोले नाम नाम कारी बहुधा, जो भगवान का नाम है। ए भैया अभी माला क्यों दे रहे हो? बाद में माला देना, अभी क्यों दे रहे हो? अभी मैं बोलूंगा माला देने के लिए, सब चुप बैठे हरे कृष्ण। इसलिए बोले नाम नाम कारी बहुधा, भगवान की अनंत नाम है, कृष्ण गोविंद दामोदर ऋषिकेश ठाकुर का कितने नाम है। फिर निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान अपना नाम में सारे शक्ति को ठाकुर जी अपना नाम में धर दिया। इसलिए कहते हैं ना, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसलिए भगवान से बढ़कर के भगवान के नाम। फिर बोले नियमित स्मरण काल, ठाकुर जी ये नहीं बताए देखो मेरे नाम करने के लिए जब पवित्र अवस्था में हो तभी करना, अपवित्र अवस्था में मेरे नाम नहीं कर सकते, ठाकुर ये भी नहीं बताए। किसी अवस्था में अजामिल जब भगवान का नाम लिया, बोले कौन सा अवस्था में था? लेटा हुआ था, ताटी पेशाब कर रहा था,
टाटी पेशाब कर रहा था कि वो जमदूत लेने के लिए आए, उनकी विकराल रूप देख करके इतने डरा हुआ था, टाटी पेशाब कर रहा था। फिर जो नाम लिया भगवान को नहीं बुलाया, अपना बेटा। फिर जिस समय ठाकुर का नाम लिया ना, उसका बुद्धि स्थिर थी, बुद्धि अस्थिर बुद्धि था, घबरा था, हाँ घबरा हुआ था। और उनने कैसे बुला, मतलब चित्कार करते हुए, ऐसे नहीं जैसे स्थिर बुद्धि से ठाकुर का नाम जब करते, स्थिर से नहीं करते हुए, बेटा नारायण। क्योंकि जमदूत एक तरफ में उसको पकड़ रखे थे, गला में काल फांस लगा करके, ऐसे अवस्था में ठाकुर जी का नाम लिया, ठाकुर को नहीं बेटे को बुलाया। और उन्होंने इसी अवस्था भी विष्णु से तो आग्रह रखा करते, बोले किसी तरह से किसी अवस्था में क्यों नहीं हो, भगवत नाम अगर ग्रहण करोगे ना, भगवान का नाम कल्याण करने वाले। देखो भगवान और एक बात कहते हैं, बोले कलयुग में मैंने इतने सरल उपाय दे दिया, तब भी ये जीव बैठ करके भले ही गप्पे मार लेंगे, सास बहु की भले ही बात कर लेंगे, दुनियादारी। बोले भैया के माला करो, बोले कि माला जप कर, बोले समय का है हमारे पास। जब टीवी में सीरियल देखे ना, सीरियल टीवी क्या है, उल्टा पुल्टा चीज को, झूठे चीज को एक रूपक दे करके ये सीरियल आती है, कोई सिनेमा आती है, देखना उसको तीन तीन घंटा बैठ कर तो देखते। बोले भैया एक माला तो, समय कहाँ है हमारे पास भजन करने का। महाप्रभु कहते हैं बोले सुलभम भगवत नामम, ध्यान देकर सुनो क्या कहते भगवान, भगवान के नाम लेने के लिए कहते भाई कोई पैसा की जरूरत नहीं, कहते नाम लेने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं। लेकिन सत्ययुग में जब तपस्या करते थे, हजार हजार साल तपस्या करते थे, हैं खाए पिए, तृतीयुग आ गया, यज्ञ, एक यज्ञ कर लिए तो कितने पैसा खर्च हो जाती है, उसे भी पैसा की जरूरत। द्वापर युग में अभी ठाकुर को अर्चन करने के लिए दूध दही घी शहद है, उसमें कितने कितने चीज, तभी जाकर सेवा पूजा होता है। भगवान ने देखा भैया कलयुग का जीव तो कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी सरल उपाय बता दो, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर का सेवा मान कर करो, और मुंह में ठाकुर का नाम जप करो, और थोड़ी सी हरिनाम जी का हरिनाम। भगवान कहते सुलभ भगवत, बोले भगवान के नाम लेने के लिए किसी पैसा की जरूरत नहीं। बोले बसवर्तिनी, ये जीवा है, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई पैसा की जरूरत पड़ा हमको, कोई कष्ट हुआ, कोई पैसा नहीं, कोई कष्ट नहीं, बिना आसानी से सबसे सरल उपाय, इसलिए ठाकुर का नाम जप करनी चाहिए। हमारे बीच हमारे के छोटे प्रभु जी है, ये भी आपको थोड़ी सी ठाकुर जी के बारे में कुछ कथा सुनाएंगे। बोलो 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 सर। हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गौरांगी मृदिमास्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्रागिमा वक्षो जय गरिमा तथेव तया मध्ये गतुर्मन्दिमा श्रोण्यं च प्रतिमा भुवो कुटिलिमा बिम्बाधरे श्रोणिमा श्रीराधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु तमद्भुतं बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्म्यङ्गलशोभिकौस्तुभम् पीतांबरं सांभुपयोधिषु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं पाद पूज्य श्री महाराज जी जो श्री व्यासासीन है उनके चरणारविंदों में कोटि 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 बार प्रणाम करता हूँ। मेरे परम गुरुदेव पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी उनके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित कृष्णम वरिण्य जन जो आज जिनकी सराहना आज स्वयं चतुरानन ब्रह्मा कर रहे हैं, क्योंकि
भगवान की पवित्र कथा को, भगवान की पतित पावनी कथा को, भगवान की प्रिय कथा को श्रवण कर हुआ है, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भैया मेरे सदगुरु की आज्ञा हुई है कि मैं भगवान के दिव्य नाम पर कुछ अपनी वाणी रूपी पुष्प को अर्पण करूं। देखिए भगवान हरे कृष्णा भगवान और भगवान के नाम में जो श्री कृष्ण है वही श्री कृष्ण का नाम है। भगवान और भगवान के नाम में अणु मात्र भी भेद नहीं है। एक त्रेता में कौशल्या जी के यहां श्री राम ने जन्म लिया, एक बार द्वापर में यशोदा जी के यहां श्री कृष्ण ने जन्म लिया, लेकिन नाम जब जब अपने मुख से राम नाम और कृष्ण नाम करता है तब तब उसकी जीभ कौशल्या और यशोदा ठाकुर जी का प्राकट्य कर देती है। ये भगवान का दिव्य नाम है। हमारे तेरे हाथ में है डोर बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, कमल को वृषभानु की लली को राधे कमल कली को, वृषभानु की लली को राधे जगत नचायो तेरी भौह की मरोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। हमें तो केवल इसके आगे का ही प्रयोजन है। कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, ठाकुर जी को संत लोग पतंग बता देते हैं। और वो ठाकुर जी को संत लोग पतंग बता रहे हैं, और जो हाथ में जिनके डोर है वे सदगुरु देव है, और जो डोर है वो हरिनाम है। जब सदगुरु के द्वारा भगवान का हरिनाम पकड़ करके ठाकुर जी को पास रखेंगे तो ठाकुर जी कहीं नहीं जाएंगे। वही डोर सदगुरु कृपा कर नाम रूपी डोर जब जीव के हाथ में पकड़ा देते हैं तो भगवान कहीं नहीं जाते हैं, भगवान साक्षात उपस्थित रहते हैं। इसी कारण से नाम और नामी में कोई श्री कृष्ण है वही श्री कृष्ण का नाम है। अतः भगवान का नाम समस्त वांछाओं को पूर्ण करने वाला है। भगवान का नाम अमित तेजस्वी है। भैया हमारा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में संत पधारे हैं। संत का आगमन ही इस दिव्य स्थान को अमित तेजस्वी बनाने वाला है। कबीरदास जी कहते हैं ना, मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव संतन को देखूं आव, तो अरे बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग मेरे जागे घर ही में आ गए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो। एक ब्रज की घटना है, पूज्यपाद श्री महाराज जी की आज्ञा हुई है मैं आपको वो भी बताऊं, बरसाने की सत्य घटना है। एक बार बरसाने के अंदर एक सेठ जी रहते थे, तो उन सेठ जी की पत्नी जो है उनका देहांत हो चुका था। उनकी तीन सेठ जी के तीन बेटे थे और बेटे की तीन बहुएं थी। तो सेठ जी के पास सब था, दुकान मकान सब कुछ, लेकिन मन में एक अशांति थी, मन में एक कमी थी। क्या? कि उनके कोई बेटी नहीं थी। वो बहुत दुखी रहते थे कि मेरे कोई बेटी नहीं है। संत के पास गए, संत तो कृपा करुणा की कोर हैं, वो कोर करते हैं कृपा करते हैं, तो बड़े बड़े मुश्किलें बड़े बड़े अपथ जो है पत्थर रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। तो संत से पूछा, संत ने कहा क्यों उदास हो? बोले मेरे कोई बेटी नहीं है। संत बोले भैया
तुम तो बरसाने के बरसाना के वासी हो, राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। सुना हूं सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। संत कृपा करके चले गए। वो सेठ जी ने बड़ा सुंदर चित्र मंगवाया राधा रानी का, अपने अपने कमरे में उसको रखा, और नित्य प्रति भोजन आता तो पहले श्री राधा रानी को अर्पण के बाद प्रेम से आरोपते। बार बार ठाकुरानी जी श्री राधा रानी के सामने बैठ करके उनके दिव्यों को गाते, बार बार मेरी बेटी श्री राधे, मेरी बेटी श्री राधे, बार बार उनका नाम कीर्तन करते रहते। हमारी रानी रस की खानी, हमारी राधे रानी रस की खानी। साक्षात रस स्वरूपा है ना श्री किशोरी जी, बार बार उनको निहारते। एक दिन क्या हुआ, उनके मनिहारन आई, मनिहारन चूड़ी बेचने वाली। उसका नियम था वहां का कि वो चूड़ियां उन तीनों सेठ जी की तीनों बहुओं को वो देती थी, लेकिन जो उसकी मजदूरी होती थी उस मनिहारन की, वो सेठ जी से दुकान पे लेने जाती थी। तो वो गए और जाकर के पहली बहू ने चूड़ी, फिर दूसरी ने पहनी, फिर तीसरी ने पहनी, लेकिन ये क्या, एक छोटा सा हाथ आगे आया। जब हाथ आगे आया वो मनिहारन चक्कर में पड़ गई, भैया चौथो तो ये चौथो कहां से आ गए हो, चौथा तो कोई था ही नहीं, इनके तो यहाँ तीन ही पहनने वाले थे चूड़ी। लेकिन उसने कहा मुझे क्या, मैं दो चार की मजदूरी ले लूंगी। उसने श्री राधा रानी वो छोटी सी किशोरी को भी गई वो सेठ जी के पास। सेठ जी से कहा कि आज मजदूरी, अच्छा चूड़ियां पहना के आई है, हाँ हाँ, तो बोले आज चार की मजदूरी लूंगी। क्यों, उसने कहा क्यों, बोले हमारे यहाँ तो तीन ही पहनने वाले। बोले नहीं चार, बोले नहीं 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 ऐसे थोड़ी ना, अगर तेरे को ज्यादा पैसा चाहिए तो मांग ले, लेकिन झूठ मत बोल। मनिहारन गुस्से से बोली मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तो चार ही बोलूंगी। उसने कहा ऐसे नहीं दूंगा, पहले घर पे पूछूंगा। शाम को सेठ जी बैठे परिवार के पास, बहुओं से पूछा आज चूड़ी पहनी थी, बोली हाँ, बोली कितनों ने पहनी थी, बोले तीन ने। सेठ जी ने कहा जरूर वो झूठ बोल रही होगी, मन में सोचे सेठ जी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर गए अपने कमरे में, गए कमरे में, भोजन आया, आकर के श्री ठाकुरानी जी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वो सेठ जी सो गए तो सपने में साक्षात राधा रानी आई। सपने में प्रकट हो वृषभानु की दुलारी, बोली तनया बनायो तात नात ना निभायो है। एकदम से सेठ जी चक्कर में पड़ के उठे, क्या हो गया राधा रानी क्या हो गया। बोली बेटी तो बना लिया पर नाता नहीं निभा सके, क्या हुआ। बोली चूड़ी पहर लीनी मैंने, जानी पितु गे काले, पर आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। बेटी बना करके मैंने बेटी समझ करके चूड़ियां पहन ली, लेकिन आपने उस मनिहारन का मोल नहीं चुकाया। एकदम से सेठ चक्कर में पड़ गया, हाथ जोड़कर बोले मुझे माफ कर दो राधा रानी, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, मैं भूल गया था। राधा रानी बोली भूल गए थे, तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही ये भरी आयो है। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय आज चार चूड़ी काल मोही बिसरायो है। बोले मैं गलती हो गई, बोले चार अपनी बेटी तो बहुए तो याद रही पर बेटी को भुला दिया। इतना कहते ही राधा रानी जोर जोर गई, सेठ चक्कर में, सेठ कांप गया। तुरंत सेठ जी की नींद खुलते ही सुबह प्रातः हो गई थी, होके जैसे ही नींद खुली एकदम से जल्दी 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 मनिहारन के यहां गया। उसकी
गली में गया, जाकर के सामने मनिहारन खड़ी थी, वो भी चक्कर में पड़ गई, ये सुबह सुबह कहां से आ गए। जाकर के वो गिर गया सेठ जी चरणों में, गिरते ही वो मनिहारन बोली, ये क्या कर रहे हो। तब मनिहारन ने कहा, धन धन भाग तेर, सेठ जी बोले, धन धन भाग तेरो मनिहारन, तेरे भाग की क्या कहनी मनिहारन। मनिहारन बोले, क्या हुआ। बोले, चूड़ी पहन लई तब करते श्री वृष भानु दुलारी, धन धन भाग तेरो मनिहार। अरे तेरे भाग की क्या कहूं मनिहारन, जिस कर को पकड़ने के लिए, जिस हाथ की छाया पाने के लिए, जिस हाथ की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा, बड़े बड़े रुद्र, शुक नारद, भीष्म इत्यादि, बड़े बड़े शुक सनकादिक नारद, भृगु अंगिरा मेधातिथि देवऋषि चमन, बड़े बड़े अचित पिप्पलायन ध्वज रिष्ट नेमी, अन्य ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, वेद ऋषि, मनीषी, बड़े बड़े न्याय तर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले योग कतारों में खड़े होते हैं। अरे श्री कृष्ण भी जिनकी कृपा पाने के लिए कतार में खड़े होते हैं, वो हाथ आपने पकड़ करके उसके अंदर चूड़ियों का एनिमेशन किया। धन्य हो आप, धन्य हो मनिहारन, आप धन्य हो। एकदम से मनिहारन चक्कर में पड़ गई और जैसे ही सुना कि साक्षात वो ठकुरानी जी थी, जोर जोर से मनिहारन रोने लग गई। उसने कहा, अब मैं ये धन को लेकर के क्या करूंगी। अरे जब मिलो अमोल धन तो अब काहे को मोल, रे प्रेम से श्री राधे बोल, राधे राधे बोल। बोले, अब मैं इस धन को क्या करूंगी। क्यों? क्योंकि हमारा वास्तविक धन क्या है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इन्हीं शब्दों के देव को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पितो दृश्य कृपा सिंधु, बोलिए श्री राधा रानी की जय। जय श्री राधा, जय वृंदावन बिहारी, जय श्री सचिन और हरि की जय, संकीर्तन की जय। हम लोग अभी हम एक माला जप करेंगे, उसके बाद में फिर प्रसाद लेकर जाएंगे। हाँ, देखो ध्यान से सुनो। अरे एक छोटी स्टोरी सुनो। एक समय ये जो सत्य त्रेतय द्वापर कली, ये चार युग है। कहते ये चार युग नहीं, ये चार भाई है। कौन है चार? ये भाई है। बोले अभी सत्य त्रेतय द्वापर, ये चार युग अभी बीत गई है। अभी कली युग में ये कली युग राज गति पर बैठ करके राजयुत कर रहा था। एक दिन ये सत्य त्रेतय द्वापर, ये तीनों भाई ये कलयुग से मिलने के लिए आए। हम लोग तो राजयुत की, अभी हमारा छोटा भैया कैसे राज्य चला रहा है। जब उसने राजयुत उनसे मिलने के लिए आए, वहां पर दरवान था। बोले जाकर के बोलो ये सत्य त्रेतय द्वापर, बोले यहाँ पर जाकर के ये तीनों भाई कलयुग से मिलने के लिए आए। तीनों भाई दरवान से बोले, बोल दो जाकर के हम कलयुग का तीनों बड़े भाई और छोटे भाई से मिलने के लिए आए। जब कलयुग ने सुना, वो सुन करके अनसुना कर दिया। बोले जाओ उनको बोल देना, मेरे पास में कोई समय नहीं उससे मिलने के लिए। इतने में वो आकर के बोले, बोले आपका नाम सुनते ही तो कलयुग बड़ा क्रोध में आ गए। बोले हमारे पास में कोई समय नहीं। तीनों भाई ने बोले, भैया एक बार जाकर के बोलो, हम लोग बड़े दूर से आए हैं, वो हमारे छोटे भैया है, देखो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस आंखों से आंखों मिला करके चले जाएंगे। जब उसको फिर बोले, बोले आंखों से उनका मुंह तक भी हम देखना नहीं चाहते।
तीनों भाई बोले भैया आपने क्या ऐसे अपराध किया, वो कहते हमारे मुंह तक भी देखना नहीं चाहते। बहुत उन्होंने प्रार्थना की एक बार और बोलो थोड़ी सी मिल करके चली जाएंगी। बड़े कष्ट से सत्य तृतीया द्वापर जू गए कली से मिलने के लिए। जब कली से मिलने के लिए गए, कली जी ने तो बड़े डांट लगाया सत्य जीव को। पहले सबसे बड़े भाई सत्य जीव गए, बोले तुमने आ करके क्या किया जीव को बताओ। क्योंकि सत्य युग में जो धर्म था, बोले कृते जत ध्यायत विष्णु, सत्य युग में था ध्यान। बोले हजार हजार साल तक बिना खाए बिना पिए एक जगह पर बैठ करके एक अगुट पर खड़े होकर के, कोई कोई तो चार तरफ में आग लगा करके एक जगह पर खड़े होकर कठोर तपस्या करते थे। बोले भैया तुमने आ करके क्या किया बताओ, तुमने इतने लोगों को कष्ट ही कष्ट के बोले दिया और कुछ किया ही नहीं तुमने है, इसलिए मैं तुमसे मिलना नहीं चाह रहा था। और मिलता था क्या, बोले मुक्ति। ये तो भक्त लोगों को देने पर भी ये मुक्ति नहीं लेते हैं। अभी तृतीया जीव को भी बड़े डांट लगाए, देखो ध्यान लग रहे सुनो बहुत अच्छी चीज है। तृतीया जीव को भी डांट लगाए, बोले क्यों, बोले तृतीया जीव में क्या धर्म था, बोले यज्ञ। अब देखना यज्ञ करने के लिए हवन सामग्री लाओ, घी लाओ, लकड़ी लाओ, वहां पर फल फूल लाओ, पता नहीं कितना चीज लाओ, तभी जाकर के ये यज्ञ जाकर के होती है, हैं? फिर यज्ञ के पास में बैठो, फिर धुआं निकले, फिर आग निकले, उसका लपेटा लगता है। बोले तुमने क्या क्या के, बोले पैसा खर्चा करवाया और लोगों को कष्ट ही कष्ट दिया, इसलिए मैं तुमको देखना नहीं चाहता था। द्वापर युग को भी डांट लगाए, बोले तुमने क्या क्या बताओ। द्वापर में क्या था, बोले परिचर्या। अभी ठाकुर को सेवा पूजा करने के लिए पहले पंचामृत से स्नान कराओ, दूध लाओ, दही लाओ, घी लाओ, शक्कर लाओ, हैं, शहद लाओ, लाओ लाओ लाओ, फिर अगुर कर्पूर चंदन फूल माला, कितने पैसा लगता है। बोले तुम भी लोगों को पैसा खर्चा करवाया, लोगों को कष्ट ही कष्ट दिया। देखो कलियुग क्या कहता है, बोले देखो कलियुग, देखो अभी मैं राजगद्दी पर बैठा हूँ, मेरे कलियुग में किसी चीज की जरूरत नहीं। कलियुग में खर्चा पानी की कोई बंद, कोई कष्ट तपस्या की करने का जरूरत नहीं। कलियुग में देखो केवल ये जीवा हिलते ही भगवान का नाम उच्चारण होता है। केवल जीवा हिलने पर कोई पैसा पैसा कष्ट भ्रष्ट की कोई जरूरत नहीं। बिना पैसा बिना परिश्रम की बास, केवल ठाकुर का हर थोड़ी से नाम ले लो, होठ हिलने पर जीवा चलने पर भगवान का नाम। और कलियुग में जो साधन है, जब हम भगवान का नाम करते ना बड़ा आनंद मिलता, आनंद मिलता कि नहीं। कीर्तन करो, कीर्तन में बड़ा आनंद है, कीर्तन में भी बड़ा आनंद है। बोले कलियुग का साधन सबसे सरल साधन है, कोई परिश्रम कष्ट की कोई जरूरत नहीं, बस केवल एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बताओ कोई पैसा की जरूरत पड़ा है, कोई कष्ट हुआ है, हाँ, लेकिन महाप्रभु कहते भैया इतने सरल उपाय रखा, भगवान का नाम जप करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ने एक शिक्षा दी। एक दिन चैतन्य महाप्रभु का भक्तों लोग निमंत्रण दे रहे थे, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। महाप्रभु एक चीज शिक्षा देने के लिए बोले देखो मैं सबके घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में करते हो, बोले जो लखपति बनेगा। किसको घर में करेंगे, वो आज से 550 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो लाख की बात करते हो, क्या हमारे घर में भोजन नहीं करोगे। देखो भगवान क्या बोले, भगवान बोले जानते हो असली लखपति किया कौन, बोले कौन है, बोले रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर जी का नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखेराऊं गली गली, और जिन जिन ने यह मोती लुटे उसो माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कांगाल हुए। इसलिए असली लखपति कौन है, जो 1,00,000 नाम जप करते हैं। अब मेरे तरफ से ध्यान देकर देखो, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे,
वो बोलते ना कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा, यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति। आप देखो मेरे तरफ में, आप लखपति कैसे बनोगे। ये माला में 108 मोतियां हैं, और ये माला को जैसे उसमें एक बार हरे कृष्ण बोलो मेरे साथ में, आज ही आप लोग लखपति बन जाओगे। क्योंकि यहाँ पर कितने सारे भक्त लोग बैठे, करीब करीब 150-200 लोग बैठे यहाँ पर, इसलिए जब 200 वाला माला हो जाएगा ना, 3 लाख बन जाओगे, एक लखपति नहीं, हाँ 3-3 लाख आपको आज बैंक में फिक्स डिपोजिट होगी। देखो कैसे बनोगे, जैसे ये माला है, ये माला में जब जप करेंगे ये अंगुल को हम नहीं स्पर्श कराते, क्यों, ये गंधा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता है, तेरे को मैं देख लूंगा, तुम मेरे को क्या समझ रखे हो। इसलिए ये अंगुल को अहंकार का प्रतीक है, इसलिए अंगुल को हम बाहर निकाल करके ये बीच वाला अंगुल को ऊपर रखते हैं। और देखो ये सुमेरु, ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए एक तरफ माला पकड़ करके जैसे हरे कृष्ण बोले मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मोती सरकाते हैं। पर दो बार बोल करके दो मोती, देखो लाख कैसे होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया है एक बार हरि नाम करने से। इसमें 108 मोती हैं, जब माला करते करते यहाँ समाप्त हो जाए, विश्राम करता है, उसको ऊपर में इसको पार नहीं करनी चाहिए, क्यों, ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, ये एक एक मोती नहीं, ये एक एक गोपी है, मानो बीच में राधा कृष्ण को रख करके रास कर रहे हैं जैसे, इसलिए यहाँ समाप्त होने पर ये अंगुल को पार नहीं करनी चाहिए, फिर अंगुल को ऐसे घुमा दो, घुमा करके दूसरे तरफ से करो। अगर ऐसे 16 माला अगर हमने कर ली, हो जाता है 25,000 हो गया। अगर हमने 64 माला कर ली ना, वो 1,00,000, भगवान स्वयं कहते हैं, बोले 1,00,000 तुमने माला नहीं जप की, माल जप की, माल माला नहीं, ये माल है, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गई। बोले भैया ब्याज कितने मिलेगी, अगर फिक्स डिपोजिट हो ब्याज कितना मिलेगी, तो मीरा कहती है दीन बड़त सब आयो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 1,00,000 नाम थी ना, कहते कल आपको 1,25,000 मिलेगी, 4 दिन में 2,00,000। और ये जो धन है अंतिम समय में यही धन ही काम आएगी, जब हम ऊपर जाएंगे ना, देखो जो काफी खुलेगा माला ही माल है, वहां पर माला ही माल मिलेगा है, और यही धन अंतिम समय में हमारी काम आएगी। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, अभी हम लोग एक माला जब करेंगे, भैया माला दे दो सब हाथ में, एक एक माला ले लो, आपको लेने के लिए नहीं दे रहे हैं, जब करने के बाद मेरे को वापस देना, क्योंकि जब तक कथा होगी एक एक माला हम जब करेंगे, सबको फटाफट दे दो, और 2-3 व्यक्तियों को दे दो ना, फटाफट दे देंगे। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण हम लोग सब तो से माला पहुंच गया। आप लोग मेरे साथ में सबके सब हरि नाम करो, ठीक है। देखो जो ठाकुर का नाम लेगा ना उसको पाप उड़ जाएगी, लेकिन उड़ जाएगा तो बैठेगा काम पर। जो हरि नाम नहीं करते, जिनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलेगा, उसका सारे पाप उसका सर में बैठ जाएगी। इसलिए आप सबके सब मेरे साथ में सबके सब नाम जप करो, समझो वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी की चरण में हम बैठ करके ठाकुर जी का नाम लेते हैं। देखो इसमें तीन नाम है, कितना नाम है ध्यान देकर सुनो, हरे कृष्ण और राम। बोले हरे मतलब क्या है, हरि का नाम संबोधन में होता है हरे। हरे मतलब होता है जीवन का जितने दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि से हरे। कृष्ण, कृष्ण मतलब क्या, मन हमारी चंचल भटकता है इधर उधर। क्री मतलब होता है आकर्षण करना, अगर ये भटक तो ये मन को जो भटकने नहीं दे, सना आनंद देना। राम मतलब क्या, जीवन में हमें जो शांति सुख और जीवन में आराम दे। अगर ये हरि नाम करोगे आपको तीन फल आपको मिलेगा है। ये तो साधारण अर्थ है, विशेष अर्थ क्या, हरे मतलब राधे, कृष्ण का मन को हरण करते कृष्ण मतलब कृष्ण, ये राधे कृष्ण और राधे कृष्ण। हरे मतलब राधा रानी, फिर राम, ये राम मतलब क्या है, ये अयोध्यापति दशरथ नंदन जो राम इसके इसमें है नहीं, इसमें राम मतलब राधा जी को साथ में कृष्ण रमण करते हैं, हाँ, इसलिए उनका नाम राम। मतलब ये महामंत्र ये राधा कृष्ण का ही जुगल नाम। इसलिए आप सबके सब मेरे साथ में बैठ करके हरि नाम करो, सबके सब करना, जो नहीं करेगा सबको पाप उनके सर पर बैठने वाले। इसलिए सबके सब मुंह खोल करके ठाकुर का नाम जप करो मेरे साथ में। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सबके सब माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं पाप लगेगा, जिसका जरूरत मैं बाद में दूंगा। देखो आज का जो प्रसाद है श्री राजेश और श्री हरि ओम हरि, इनका इनकी तरफ से प्रसाद है, जिनका नाम लिया वो इधर आ जाओ, इनके नाम पर जोरदार ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ, ताली में आनंद नहीं आ रहा। हाँ देखो ठाकुर जी कहते ये भागवत कथा में जो एक अन्न का दाना दे देते हैं ठाकुर, किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र का भी अभाव नहीं होता, इसलिए ठाकुर जी इनको पर आशीर्वाद करे, तुम शांति सुख दे, ये दोनों को यहाँ भेज दो। कौन कौन है इधर आ जा, प्रभु जी मेरे पास में आ जा, हाँ आ जा, आज क्या है, अरे बोलो जोर से क्या, आ जा इधर आ जा, और राजेश और श्री हरि, हरि कौन और राजेश, दोनों एक राजेश सर, राजेश सर इधर आ जा, हरे कृष्णा, सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे और इसमें सबके सब नाचना है, इधर आ जाओ, आपको पत्नी भी आई है, इधर आ जाओ, घर वाले इधर आ जाओ, पत्नी का नाम क्या, हाँ मणिमंजल दीदी इधर आ जाओ, मणि मंजर दीदी भोली की जय, जय जय श्री राधे श्याम, नाचने वाले भजन बोले, सबके सब सामने आ जा, भगवान की दरबार में नाचने से 84 लाख जोड़ी नाचना बंद हो जाएगी। कि मन बस गया नंद की सो
मन बसी गया नंद की सारी अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में राधे रानी बसा लो वृंदावन में बसा लो वृंदावन में Thank you.
I'm gonna make you mine.